आज से पहले गीता सिन्हा ने कभी रागिनी के चेहरे पर इतना भयानक एक्सप्रेशन नहीं देखा था। उन्होंने काफी इमोशनल लगते हुए कहा, रागिनी बेटा, ये तुम क्या बोल रही हो? ये बात बिल्कुल सच है कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। कह दो कि ये सब कुछ झूठ है और तुमने ये सब नहीं किया। तुमने मेरे साथ ये सब कुछ नहीं किया ना? इस पल में रागिनी के चेहरे पर जो नरमी थी वो पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और अब उसके चेहरे पर एक भयानक एक्सप्रेशन छाया हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए गीता सिन्हा की तरफ देखा और उसने कहा, ये सब कुछ मैंने ही किया है। ये सब कुछ बिल्कुल सच है और मैंने ही तुम्हारे साथ इतना बड़ा खेल खेला। मैंने ये सब कुछ इसीलिए किया क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं सिन्हा परिवार के हर एक इंसान से नफरत करती हूँ। मैं सिन्हा परिवार की असली वारिस हूँ। जब से मेरा जन्म हुआ तभी से मैं सिन्हा परिवार की प्रिंसेस बनी। सिन्हा परिवार का जो कुछ भी है वो सब कुछ सिर्फ मेरा है। आखिर तुम लोग उस माही को वापस क्यों ले आए? उस गांव की लड़की को वापस लाने का मतलब क्या था? मैंने किसी तरह उस गांव की लड़की को सिन्हा परिवार से दूर कर दिया, मगर फिर आप लोगों ने क्या किया? अब तुम लोगों ने नया प्लान बनाया और एक लड़के को जन्म देने की कोशिश की ताकि वो इस परिवार का वारिस बनने में मुझसे लड़ाई कर सके। वो बच्चा तो अब तक पैदा भी नहीं हुआ था और तुम लोग मुझसे मेरा सब कुछ वापस छीनने लगे। ऐसा क्यों किया तुम लोगों ने? अगर मैंने युवराज को नहीं पटाया होता तो आखिर तुम सिन्हा परिवार के पास अपना कहने के लिए होता ही क्या? मगर अब जबकि तुम्हारे पेट में एक लड़का पल रहा था तो तुम लोग मुझे लात मारकर अपने परिवार से बेदखल करना चाहते थे। तुम लोगों को क्या लगा कि मैं तुम लोगों की सोच को समझ नहीं पाई? क्या तुम्हें वाकई में लगा कि मैं बेवकूफ हूँ? गीता सिन्हा काफी हैरान लग रही थी। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अजय सिन्हा भी इस बात से काफी शॉक लग रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो लड़की इस वक्त उसके सामने थी वो वही रागिनी थी जिसे वो अपनी होनहार और समझदार बेटी माना करता था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रागिनी के मन में इतनी खौफनाक बातें चलती थीं। कमरे में मौजूद लोगों ने इस भयानक सच की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की और सब लोग हैरानी के मारे अपनी जगह पर जमकर खड़े रहे। लोगों ने हैरानी के मारे मन ही मन में कहा, गीता सिन्हा के बच्चे को किसी और ने नहीं बल्कि खुद गीता की चहेती बेटी रागिनी ने मारा था। और तो और, अपने काम को अंजाम देने के लिए रागिनी ने खुद मोटरबाइक चलाना सीखा और उस माँ की जान लेने की कोशिश की जिसने हमेशा से ही रागिनी को अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया। रागिनी तो असल में किसी गांव की औरत की बेटी थी जिसे एक छोटी सी गलती की वजह से इतने साल आराम की जिंदगी जीने का मौका मिला। ये सब कुछ जो रागिनी के पास है वो शुरू से ही इसका नहीं था। सिन्हा परिवार के बिना रागिनी आज भी किसी गांव की लड़की की जिंदगी जी रही होती। मगर इसके बावजूद भी सिन्हा परिवार से उसे जो कुछ भी मिला वो सब कुछ उसने हल्के में ले लिया। वो तो इस बात पर भी यकीन करने लगी कि सिन्हा परिवार का जो कुछ भी है वो सब कुछ उसे ही मिलना चाहिए। सिर्फ इस सोच की वजह से उसने गीता के पेट में पल रहे बच्चे की जान ली, क्योंकि उसे डर था कि आगे चलकर वो बच्चा रागिनी से उसका सब कुछ छीन लेगा और इसीलिए उसने उस मासूम बच्चे की जान ले ली। सबसे डरावनी बात तो ये है कि इतना कुछ करने के बाद भी रागिनी लोगों के सामने मासूम बनने का ढोंग करती रही और सब कुछ बेचारी माही पर ब्लेम कर दिया। सच का सामना होने के बाद वहां मौजूद हर एक इंसान की रूह कांपने लगी। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि रागिनी ने इस हद तक सबको धोखे में रखा और इतनी गिरी हुई हरकत की। अजय सिन्हा काफी देर तक शॉक में रहे। उन्हें रागिनी की बातों पर और उसकी हरकतों पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उन्होंने चिल्ला कर कहा, तुम एक जानवर हो। सिन्हा परिवार ने इतने साल तुम्हारा इतना अच्छी तरह से ख्याल रखा, इसके बदले में हमने कभी तुमसे कुछ भी नहीं मांगा और तुमने हमारे साथ क्या किया? अजय सिन्हा की ये बात सुनकर रागिनी इस तरह हंसने लगी जैसे कि उसने कोई जोक सुन लिया था और उसने कहा, मेरा ख्याल रखा? आखिर तुम लोगों ने मेरा कौन सा ख्याल रखा? मुझे जो कुछ भी मिला वो सब कुछ मुझे सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से मिला। आखिर उस माही ने कर क्या लिया था? सिर्फ क्योंकि उसकी रगों में सिन्हा परिवार का खून दौड़ रहा था तो इसीलिए आप लोग उसे वापस घर ले आए। यहाँ तक कि कुछ भी ना करने के बावजूद भी उस बुड्ढे ने माही को कंपनी के 10% शेयर्स दे दिए और मुझे कुछ भी नहीं मिला। ये सुनकर अजय सिन्हा चिल्लाने लगे और उन्होंने रागिनी से कहा, मगर मैंने तुम्हें अपने हिस्से के सारे शेयर्स दे दिए थे।
तुम्हारे पास कंपनी के 20% शेयर्स हैं, क्या तुम्हें इससे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हुई? ये सुनकर रागिनी दोबारा हंसने लगी और उसने कहा, मिस्टर सिन्हा, प्लीज ये दिखाना बंद कर दीजिए कि आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। सच तो ये है कि जिस वजह से आपने मुझे वो शेयर्स दिए वो इसीलिए था ताकि बर्मन परिवार के साथ आपका रिश्ता जुड़ सके। क्या आप तब भी मुझे अपने हिस्से के सारे शेयर्स दे देते अगर आपका पहले से ही एक बेटा होता तो? ये सुनकर अजय सिन्हा ने हैरान लगते हुए रागिनी से पूछा, तो सिर्फ इसी वजह से तुमने अपने माँ के पेट में पल रहे बच्चे की जान ले ली? इस पल में रागिनी की आंखों में शर्म का नामो निशान तक दिखाई नहीं दे रहा था और उसने अजय सिन्हा से कहा, मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ आपकी वजह से किया। आप लोगों ने मेरे पास और कोई चारा ही नहीं छोड़ा था। सच तो ये है कि आप दोनों को इस बच्चे को प्लान ही नहीं करना चाहिए था। माही चुपचाप कोने में खड़ी रही और उन तीनों को एक दूसरे को अटैक करते हुए देखती रही। फिर माही ने अचानक रागिनी से कहा, मैं दखल देने के लिए माफी चाहती हूं, मगर रागिनी, क्या तुम ये बात कंफर्म कर सकती हो कि क्या सच में तुम्हीं ने ये सब कुछ किया है? ये सुनकर रागिनी माही की तरफ घूर कर देखने लगी और उसने माही से कहा, अब नाटक करना बंद करो, जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। माही ने फिर एक मासूम एक्सप्रेशन दिखाते हुए रागिनी से कहा, मगर ये बात बिल्कुल सच है कि मैंने ही वो नकली वीडियो बनाई थी। जहां से तुमने सारे सबूत मिटाए थे उस जगह पर कोई सिक्योरिटी कैमरा नहीं था, क्या तुम ये बात पहले से नहीं जानती थी? सच तो ये है कि मैंने अपने फिल्म थंडरबोल्ट सीक्रेट सर्विस स्क्वाड की स्पेशल इफेक्ट्स टीम को रिक्वेस्ट किया ताकि वो इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर सकें। इस वीडियो में वैसे भी बहुत सारी कमियां हैं, तो मुझे लगा कि शायद तुम इस बात पर यकीन नहीं करोगी। और हाँ, रही बात फिंगरप्रिंट्स और ब्लड सैंपल्स की। इतना कहने के बाद माही विक्रम ओबेरॉय की तरफ देखने लगी। विक्रम ओबेरॉय ने फिर उस ब्राउन कलर के केस फाइल को खोला जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई एविडेंस नहीं था, बल्कि उसके अंदर तो किसी फिल्म के कुछ सीन्स की तस्वीरें थी। माही की पूरी बात सुनने के बाद रागिनी दंग रह गई और फिर उसने चिल्लाकर कहा, माही माही, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस पॉइंट पर रागिनी का पागलपन पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि सॉलोमन के लोग बार बार उसका काम पूरा करने में नाकामयाब हुए तो रागिनी ने लोगों पर विश्वास करना बंद कर दिया। और तो और, उसे इस बात का डर था कि अगर उसने इंडिया से किसी को गीता सिन्हा को अटैक करने के लिए हायर किया तो माही को इस बात का पता चल जाएगा और सच सबके सामने आ जाएगा। यही वजह थी कि रागिनी ने इस बार ये काम अपने आप करने का फैसला किया। ऐसा पहली बार हो रहा था कि रागिनी अपने हाथों से किसी काम को अंजाम देने जा रही थी और इसीलिए वो पहले से ही काफी घबराई हुई थी। खास करके जब रागिनी सारे एविडेंस को बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी तो वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। यही वजह थी कि उस पल में रागिनी हर एक डिटेल को याद नहीं कर पाई। और तो और, माही का वीडियो इतना असली लग रहा था कि उसे यकीन हो गया कि वो वीडियो बिल्कुल भी नकली नहीं था। रही बात फिंगरप्रिंट्स और ब्लड सैंपल की, तो अगर वो सबूत माही खुद सामने लाने की कोशिश करती तो शायद रागिनी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। मगर क्योंकि वो सबूत माही ने विक्रम ओबेरॉय से लिया था तो इसीलिए रागिनी घबराने लगी, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि विक्रम ओबेरॉय की पावर्स के साथ वो हर नामुमकिन चीज को मुमकिन कर सकता था। यही वजह थी कि रागिनी ने माही की कही हर एक बात पर पूरी तरह से यकीन कर लिया। मगर रागिनी ने इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की कि वो शुरू से ही माही के बिछाए जाल में फंसती जा रही थी। सच तो ये था कि माही शुरू से ही झूठ बोल रही थी। उसने जो वीडियो सबको दिखाया वो नकली था और उसके पास कोई फिंगरप्रिंट्स और ब्लड सैंपल्स भी नहीं थे। इसके बारे में सोचकर रागिनी का खून खौल रहा था। माही मुस्कुराकर रागिनी की तरफ देखने लगी और फिर उसने रागिनी से कहा, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि ये वीडियो नकली है, मगर तुमने मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया। वहीं कोने में खड़ा प्रेम ओबेरॉय ये सब कुछ होते हुए देखकर काफी इंप्रेस लग रहा था और उसने मन ही मन में कहा, ओह माय गॉड, ये ड्रामा तो वाकई में बहुत अच्छा था। इस कहानी के हर कदम पर प्लॉट ट्विस्ट था। इस पर तो एक हिट मूवी बनाई जा सकती है। और तो और, एंड में भाभी ने सबको उस फोल्डर में से कुछ मूवी के रोमांटिक सीन्स दिखा लिए।
मुझे तो भाभी के इस प्लान पर ताली बजाने का मन कर रहा है। मगर बात वहीं खत्म नहीं हुई। माही ने प्रोजेक्टर पर टैप किया और सफेद दीवार पर एक डॉक्यूमेंट दिखाई दिया और फिर माही ने सबसे कहा, हालांकि ये वीडियो और ये फाइल नकली थी, मगर मेरे पास एक ऐसा सबूत है जो बिल्कुल सच है। ध्यान से देखने पर सब लोगों ने देखा कि वो डॉक्यूमेंट असल में कोई डीएनए रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट में ये साफ लिखा हुआ था कि रागिनी के पेट में जो बच्चा था उसका युवराज से कोई खून का रिश्ता नहीं था। उस डीएनए रिपोर्ट को देखकर कमरे में मौजूद सारे लोग हैरानी के मारे कमेंट करने लगे, ये तो एक डीएनए रिपोर्ट है, इसमें लिखा है कि ये डीएनए रिपोर्ट युवराज के साथ रागिनी के बच्चे का है। ओ माय गॉड, इसका मतलब रागिनी के पेट में जो बच्चा था वो युवराज का नहीं था। कमरे में मौजूद लोग आपस में बात करते हुए हल्ला मचाने लगे। फिर माही रागिनी की तरफ देखने लगी और उसने रागिनी से कहा, चाहे बात कोई भी हो मगर एक माँ अपने ही बच्चे को कभी चोट नहीं पहुंचाएगी। मुझे इस बात पर पूरा यकीन था कि तुम्हारे लिए ये बच्चा कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट था, तो इसीलिए मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर तुमने मुझे फंसाने के लिए अपने ही बच्चे की जान क्यों ली। माही कुछ देर के लिए चुप हो गई और फिर उसने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, मैंने इसके बारे में बहुत देर तक सोचा और फिर मुझे सिर्फ एक ही कंक्लूजन दिखाई दिया और वो ये था कि शायद तुम इस बच्चे को जन्म देना ही नहीं चाहती थी, मगर इसकी क्या वजह हो सकती थी। मैंने इसके बारे में सच में बहुत देर तक सोचा। हालांकि सिर्फ दो ही दिन हुए थे मगर माही ने इस सच को पता लगाने के लिए बहुत मेहनत की थी। सबसे पहले तो माही ने गीता सिन्हा के अटैक की कुछ टेप रिकॉर्डिंग्स देखी। उसने मोटरबाइक के मूवमेंट को ट्रैक किया और फिर उसने रागिनी की एक्टिविटीज को पता लगाने की कोशिश की। फिर माही एक प्रोफेशनल रेसर से पर्सनली मिलने गई और फिर उसने अपने फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स टीम से इस वीडियो को बनाने के लिए रिक्वेस्ट की। इसके अलावा माही ने अपने लोगों से कहकर छुपके से युवराज के मरे हुए बच्चे का ब्लड सैंपल अरेंज किया और उसका डीएनए टेस्ट करवाया। उस टेस्ट के रिजल्ट्स माही को अपने ईमेल पर आधे घंटे पहले ही मिला और जैसा कि उसने उम्मीद की, रागिनी के पेट में जो बच्चा था वो युवराज का नहीं था। वहां मौजूद कुछ लोग अभी भी माही की कही बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। लोगों ने आपस में डिस्कस करते हुए कहा, रागिनी के पेट में जो बच्चा पल रहा था वो युवराज का बच्चा नहीं था, तभी तो उसने इतना बड़ा खेल खेला, नहीं तो वो कभी इस बच्चे की जान नहीं लेती। शायद उसे इस बात का डर था कि इस बच्चे के पैदा होने के बाद सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, तो इसीलिए उसने एक ही तीर से दो निशाने लगाने का फैसला किया। उसने ना ही सिर्फ अपने पेट में पल रहे बच्चे की जान ली बल्कि उसने माही को भी इस बात के लिए ब्लेम कर दिया। युवराज तो रागिनी को डाइवोर्स देना चाहता था मगर फिर इस बच्चे की वजह से वो रागिनी को छोड़ नहीं पाया, मगर ये बच्चा तो, हे भगवान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम सब के साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। रागिनी हमेशा से ही ये कहती रही कि वो युवराज से बहुत प्यार करती है, मगर अंत में उसके पेट में किसी और आदमी का बच्चा पल रहा था। इस पॉइंट पर मिसेस बर्मन के होश उड़ चुके थे और वो दौड़कर माही के पास गईं और उन्होंने माही के हाथ से उसके फोन को छीनते हुए उससे कहा, ये तुम क्या बकवास कर रही हो, क्या मतलब है कि रागिनी के पेट में जो बच्चा था वो युवराज का नहीं था। ये सुनकर रुद्राणी हंसने लगी और उसने मिसेस बर्मन से कहा, मुझे नहीं लगता कि उस बच्चे की बॉडी को अब तक डिस्पोज किया गया होगा। अगर आपको माही की बातों पर यकीन नहीं है तो आप खुद जाकर डीएनए टेस्ट करवा सकते हो। रागिनी का असली रूप सबके सामने आ ही चुका था, तो ये बात साफ जाहिर थी कि मिसेस बर्मन ने इस बात पर यकीन कर लिया था। वो कुछ देर तक हैरानी के मारे अपनी जगह पर चुपचाप खड़ी रही और फिर उन्होंने रागिनी को अटैक करते हुए कहा, रागिनी, मैंने आज तक तुम जितनी गिरी हुई औरत नहीं देखी है। अब मुझे समझ में आया कि आखिर तुम बार बार उस बच्चे की लाश को डिस्पोज करने के लिए हमारे पीछे क्यों पड़ी थी। तुमने तो हमसे ये तक कहने की हिम्मत की कि तुम चाहती हो कि उस बच्चे का दोबारा जन्म हो और वो एक बेहतर परिवार में जन्म ले सके, मगर सच तो ये था कि तुम हर एक एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही थी। मिसेस बर्मन इस बात से काफी फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रही थी कि उनकी बहू ने उनके बेटे को धोखा दिया और इस बात की सच्चाई इतने सारे लोगों के सामने आ गई। अब क्योंकि सच्चाई सबके सामने आ ही चुकी थी,
तो रागिनी ने चिल्लाकर मिसेस बर्मन से कहा, मिसेस बर्मन, अब ये दिखाने का ढोंग करना बंद करो कि बर्मन परिवार काफी ज्यादा प्रेस्टीजियस है। अगर तुम दोनों बुड्ढों ने मिलकर युवराज को मुझे डाइवोर्स देकर माही से शादी करने के लिए फोर्स नहीं किया होता तो मुझे ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सच तो ये था कि माही के जरिए तुम लोग प्रताप परिवार से रिश्ता जोड़ना चाहते थे। मिसेस बर्मन ने रागिनी को कसकर थप्पड़ मारा। मिस कैरेज की वजह से रागिनी का शरीर काफी कमजोर हो चुका था, तो इसीलिए जब मिसेस बर्मन ने उसे अटैक किया तो उनके उंगलियों के निशान रागिनी के चेहरे पर छप गए। मिस्टर बर्मन अब ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने मिसेस बर्मन को रोकते हुए चिल्ला कर कहा, बस बहुत हो गया। क्या हमारी सिचुएशन पहले से ही कम एम्बैरेसिंग है कि तुम लोग इस सिचुएशन को और बदतर कर रहे हो? मिस्टर बर्मन अब ये सब ड्रामा और झेल नहीं पा रहे थे और उनकी बात सुनकर मिसेस बर्मन के चेहरे का रंग काला पड़ गया और उन्होंने चिल्ला कर कहा, एम्बैरेसिंग? भला मुझे एम्बैरेस महसूस करने की क्या जरूरत है? जरा इस अजय सिन्हा और गीता सिन्हा की बेटी की तरफ देखो, ये कितनी गिरी हुई और बेशरम औरत है। इसने तो बर्मन परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया है। ऐसी सिचुएशन में तो सिन्हा परिवार को शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। अजय सिन्हा पहले से ही बेहद परेशान थे और जब मिसेस बर्मन ने उन्हें बेइज्जत किया तो वो और भी ज्यादा बदतर महसूस करने लगे। गीता सिन्हा को इन चीजों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था और वो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। दोनों सिन्हा परिवार और बर्मन परिवार के बीच जंग छिड़ी हुई थी और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं था कि वहां का माहौल काफी बदतर हो चुका था। रुद्राणी ने निराश लगते हुए अजय और गीता सिन्हा की तरफ देखकर उन दोनों से कहा, मैंने तुम दोनों से पहले ही कह दिया था कि जिस लड़की का इतने सालों से तुम लोग ख्याल रख रहे हो उस पर ध्यान रखो, मगर इसके बावजूद भी इस लड़की ने इतनी आसानी से तुम दोनों को बेवकूफ बना दिया और अब तुम्हें इन सब का नतीजा भुगतना पड़ रहा है। सच तो ये है कि तुम दोनों यही डिजर्व करते हो, मगर दुख की बात तो ये है कि इन सब के बीच एक मासूम बच्चे की जान चली गई। जब गीता सिन्हा ने बच्चा शब्द सुना तो वो खुद को रोक नहीं पाई और उन्होंने रागिनी को कसकर थप्पड़ मारते हुए उससे कहा, चुड़ैल कहीं की, क्यों आखिर तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? क्यों किया? जवाब दो मुझे, मुझे मेरा बच्चा लौटा दो, मुझे मेरा प्यारा बेटा लौटा दो। जब विक्रम ओबेरॉय ने देखा कि सिचुएशन और भी ज्यादा बदतर हो रही थी तो उसने माही को गले लगा लिया ताकि वो अपने परिवार को इस तरह लड़ते हुए ना देख सके। विक्रम को गले लगाते हुए माही को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो किसी पीसफुल जगह पर पहुंच गई और उसने बड़ी नरमी के साथ विक्रम से कहा, डार्लिंग चलो घर चलते हैं। विक्रम ओबेरॉय ने हामी भरते हुए अपना सर हिलाया। तभी अचानक जब अजय सिन्हा ने देखा कि माही और विक्रम ओबेरॉय वार्ड के बाहर जा चुके थे तो वो तुरंत उनके पीछे गया और उसने माही को पुकारा, माही बेटा, माही बेटा। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कुछ कहना चाहते थे मगर अंत में उनके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल पा रहा था। शुरुआत में गीता सिन्हा इस मौके का फायदा उठाते हुए रागिनी के लिए इंसाफ डिमांड करना चाहती थी और इसके साथ ही साथ अपने परिवार से माही के नाम को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना चाहती थी। यही वजह थी कि उन्होंने आज इतने सारे रिश्तेदारों को वहां बुला लिया था, मगर उन्होंने कभी इस बात की उम्मीद नहीं की कि सच्चाई उन्हें इस हद तक तोड़ देगी। इस पॉइंट पर वहां मौजूद सारे रिश्तेदारों को वहां रहकर तमाशा देखना बिल्कुल भी सही नहीं लगा तो इसीलिए सब लोग एक एक करके वहां से चले गए। दादाजी फिजिकली और इमोशनली काफी एग्जॉस्टेड महसूस कर रहे थे। इस पॉइंट पर वो अपने बड़े बेटे के दुख के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे। वो चुपचाप एक नौकर की मदद से वहां से उठकर चले गए। शुरुआत में दादाजी ने उन दोनों को समझाने की बहुत कोशिश की और जितना हो पाया उतना बात को संभालने की कोशिश की, मगर अंत में उन्होंने अपनी ही मर्जी चलाई और अब दादाजी को लगा कि इस सिचुएशन में भी उन्हें अपने फैसले खुद ही करने चाहिए तो इसीलिए उन्होंने कुछ कहकर अपनी ताकत वेस्ट करना ठीक नहीं समझा। देखते ही देखते उस कमरे के अंदर अब सिर्फ अजय सिन्हा, गीता सिन्हा, मिस्टर और मिसेस बर्मन, युवराज और रागिनी ही रह गए थे। ये बात साफ जाहिर थी
कि मिसेस बर्मन, जो हमेशा से ही अपने बेटे को लेकर गर्व महसूस कर रही थी, जब आज उन्होंने देखा कि एक औरत ने युवराज को इतनी आसानी से बेवकूफ बना लिया था, तो वो इस बात को झेल नहीं पाई। हालांकि उनके मन में अपने पोते को खोने का दुख था, मगर अब जबकि उन्हें पता चला कि वो पोता कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया करता था, तो उन्हें उस बच्चे की मौत का दुख होना बंद हो गया। सारे रिश्तेदारों के जाने के बाद अब मिसेस बर्मन को किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने रागिनी की तरफ उंगली दिखाते हुए चिल्लाकर कहा, हम बर्मन परिवार से बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने युवराज की शादी एक नकली और गिरी हुई औरत से करवाई। जाने ये लड़की कहां अपना मुंह काला करके आई होगी, और जब इसे पता चला कि ये प्रेग्नेंट है, तो इसने ये बोलने की हिम्मत की कि वो नाजायज बच्चा हमारे बेटे युवराज का था। अब मैं इस लड़की को और झेल नहीं पाऊंगी। युवराज बेटा, इस लड़की को डाइवोर्स दे दो। रागिनी, अभी इसी वक्त हमारे बर्मन परिवार से निकल जाओ, और ये सोचने की हिम्मत भी मत करना कि तुम्हें हमसे एक पैसा भी मिलेगा। मिसेस बर्मन की पूरी बात सुनने के बाद रागिनी जोर जोर से हंसने लगी और उसने कहा, तुम्हें क्या लगा कि वो माही कोई दूध की धुली हुई है? वो तो 18 साल की उम्र में ही प्रेग्नेंट हो गई थी, और उसने ये तक कहा था कि वो बच्चा आपकी बेटी युवराज का था। कम से कम मैं उस माही से तो बहुत ही ज्यादा बेहतर हूँ। रागिनी ने फिर नाराज लगते हुए मन ही मन में कहा, जब से उस पार्टी में युवराज की माँ ने देखा कि माही का प्रताप परिवार के साथ गहरा रिश्ता था, तब से वो युवराज के पीछे पड़ गए और उसकी दूसरी शादी के सपने देखने लगे। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं उस मोटे और भद्दे से बिजनेस टाइकून के साथ कभी रात नहीं गुजारती और अपनी पोजीशन को स्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं करती। और अगर युवराज बार बार उस माही के पास लौटने के बारे में नहीं सोचता और मुझसे दूर रहने की कोशिश नहीं करता, तो मैं इस बच्चे को अपने पेट में रखने की जिद कभी नहीं करती। ये सब कुछ सिर्फ उस चुड़ैल माही की गलती है, ये सब कुछ बर्मन परिवार की गलती है। रागिनी की कही बात सुनकर मिसेस बर्मन दंग रह गई और उन्होंने हैरान लगते हुए कहा, ये तुम क्या बोल रही हो? रागिनी ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा कि जब माही, वो चुड़ैल कहीं की, आपके बेटे युवराज के साथ रिलेशनशिप में थी, तब वो हर जगह मुंह मारती रहती थी। सच तो ये है कि उसने एक साथ दो आदमियों के साथ रात गुजारी थी, और जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो गई थी, तो उसने सबसे ये कह दिया कि वो बच्चा युवराज का था। अगर वो कार एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो शायद माही ने अपने उस नाजायज बच्चे को जन्म दे दिया होता। इतना कहने के बाद रागिनी हंसकर अजय सिन्हा और गीता सिन्हा की तरफ देखने लगी और उसने उन दोनों से कहा, क्या आप लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है? अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप मिस्टर एंड मिसेस सिन्हा से इस बारे में पूछ सकते हो। पूछिए इन दोनों से कि क्या इनकी बेटी मुझसे भी कहीं गुना ज्यादा गिरी हुई और बेशरम नहीं है। जब अजय और गीता सिन्हा ने देखा कि रागिनी ने सिन्हा परिवार के सबसे गहरे राज को बर्मन परिवार के सामने एक्सपोज कर दिया था, तो उन दोनों के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया। इससे पहले उन्होंने इस हादसे का हर एक सबूत मिटा दिया था, मगर इसके बावजूद भी वो इस सच को बिल्कुल भी नहीं मिटा पाए। ये हादसा सिन्हा परिवार के लिए किसी बुरे सपने जैसा था। ठीक उसी वक्त कमरे के कोने में से एक आदमी की कांपती हुई आवाज सुनाई दी और उसने कहा, बस बहुत हो गया। जब रागिनी ने वो आवाज सुनी तो उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट छाई हुई थी वो अचानक गायब हो गई और वो काफी सीरियस लगने लगी। वो आवाज युवराज बर्मन की थी और उसने काफी शर्मिंदा लगते हुए अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और उसने कहा, माही की कोई गलती नहीं थी। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसमें माही की बिल्कुल भी कोई गलती नहीं थी। युवराज को ये सच बोलने में बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और उसने अपनी नजरें झुकाकर कहा, शुरुआत से लेकर अंत तक माही ने कभी मुझे कोई धोखा नहीं दिया। उसने तो कभी किसी और मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सच तो ये था कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो किसी ने उसके साथ जबरदस्ती किया। किसी ने माही को उस सिचुएशन में सेटअप किया था। युवराज की कही बात सुनकर गीता सिन्हा, जो कहीं खोई हुई थी, वो अचानक काफी हैरान लगने लगी और उन्होंने पूछा,
ये तुम क्या बोल रहे हो? अजय सिन्हा के चेहरे का भी एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गया और उन्होंने पूछा, युवराज तुमने अभी अभी क्या कहा? क्या माही को किसी ने सेटअप किया था? रागिनी युवराज की तरफ घूर कर देखने लगी, जो माही की तरफदारी कर रहा था, और उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। रागिनी ने मन ही मन में कहा, युवराज अब तुम भी मेरे खिलाफ जाना चाहते हो? रागिनी फिर हंसने लगी और उसने सबसे कहा, हाँ ये बिल्कुल सच है, मैंने ही माही को सेटअप किया था। मैंने ही माही के ड्रिंक्स में नशे की दवाइयां मिलाई थी और मैंने ही दो आदमियों को उसके लिए अरेंज किया था। तो क्या हुआ, सच तो हमेशा यही रहेगा ना कि माही ने दो अनजान आदमियों के साथ रात गुजारी और उसके पेट में उनका बच्चा भी पल रहा था। अजय सिन्हा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था और उन्होंने हैरान लगते हुए कहा, रागिनी ये तुम क्या बकवास कर रही हो? फिर से कहो, क्या तुमने माही को नशे की गोलियां खिलाई और उसका रेप करने के लिए उन आदमियों को हायर किया? इस पॉइंट पर अजय सिन्हा का पूरा शरीर कांपने लगा, यहां तक कि जब उन्हें इस बात का पता चला था कि रागिनी ने ही गीता के बच्चे को मारा था और सिन्हा परिवार को धोखा दिया, तब भी उन्हें इतना बुरा महसूस नहीं हुआ। इतने सालों बाद आज जाकर अजय सिन्हा को इस बात की सच्चाई पता चली कि माही ने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि सच तो ये था कि उसका रेप हुआ था। हंसने की वजह से रागिनी के पेट में दर्द होने लगा, मगर इसके बावजूद भी उसने हंसकर सबसे कहा, मुझे तो लगता है कि हंस हंसकर मेरी जान चली जाएगी। माही वो गांव की लड़की, ये तक नहीं समझ पाई कि असली और नकली ब्रांड के कपड़ों में क्या फर्क होता है। वो तो चुपचाप वही कपड़े पहनती रही जो मैं उसे पहनाती रही। अगर मैंने मजाक में भी उससे ये कहा कि नींबू वाला पानी हाथ धोने के लिए नहीं बल्कि पीने के लिए दिया जाता है, तो उसे भी बेवकूफों की तरह पी जाती थी। वो इतनी ज्यादा बेवकूफ थी कि मैं उससे जो कुछ भी कहूँ वो चुपचाप उसे मान लेती थी। और उससे भी बड़े बेवकूफ तो तुम दोनों थे, तुम दोनों ने हर एक बात पर यकीन किया। रागिनी की बातें उस कमरे में गूंज रही थी और वो सिन्हा परिवार की बेवकूफी पर हंस रही थी। रागिनी की पूरी बात सुनने के बाद गीता सिन्हा का मुंह खुला का खुला रह गया, मगर उनके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल पा रहा था। गीता सिन्हा ने हैरानी के मारे मन ही मन में कहा, ये सब कुछ सच नहीं है, ये सब कुछ झूठ है। मैंने अपनी ही बेटी के साथ कितना कुछ गलत किया, उसे जानवरों जैसा ट्रीट किया, ये मुझसे क्या हो गया? माही की वजह से मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं हुई, बल्कि रागिनी की वजह से मैंने ना ही माही जैसी बेटी को खोया बल्कि अपने बेटे की भी जान गंवा दी। सिर्फ रागिनी की वजह से आज मेरा बेटा नहीं रहा और मेरी बेटी की भी जिंदगी बर्बाद हो गई। अजय सिन्हा रागिनी की तरफ इस तरह देख रहा था जैसे कि वो उसे अब पहचानता ही नहीं था। अजय की नजरों में रागिनी किसी जहरीली नागिन जैसी थी और उसकी बातों को सुनकर उसका खून खौल रहा था। रागिनी के मुंह से निकला हर एक शब्द अजय के दिमाग में गूंज रहा था और फिर उसने गुस्से में युवराज की तरफ बढ़ते हुए कहा, युवराज बोलो, बताओ मुझे क्या हुआ था? तुम इसके बारे में सब कुछ जानते थे है ना? शर्म के मारे युवराज ने अपनी नजरें झुका ली और उसने अजय सिन्हा से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है। कई सालों पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी और मैं पहले से ही गांव से माही को जानता था। रागिनी से मिलने से पहले माही और मैं एक रिलेशनशिप में थे, मगर मैंने माही को धोखा दिया और रागिनी के साथ रात गुजारी, जिसकी वजह से माही का भरोसा टूट गया। उन दिनों मेरा पूरा फोकस सिर्फ रागिनी पर था। जब मुझे पता चला कि रागिनी ने माही के साथ क्या किया था, तो मुझे लगा कि रागिनी ने अपनी नादानी में अपना बचपना दिखा दिया और मुझे लगा कि उसे इस बात से बहुत अफसोस हो रहा था, तो इसीलिए इस राज को राज रखने में मैंने उसकी मदद की। मैंने माही से झूठ कहा, मैंने उससे कहा कि उस रात कमरे में जो इंसान था वो मैं ही था, मगर शुरुआत में माही इस बच्चे को नहीं रखना चाहती थी, मगर फिर क्योंकि उसे लगा कि वो बच्चा मेरा था तो इसीलिए उसने उस बच्चे को जन्म देने का फैसला किया।
वो मेरे अब्रॉड से लौटने का इंतजार कर रही थी ताकि मैं उससे शादी कर पाता, मगर मैंने उसे धोखा दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने माही को धोखा दिया, मैंने उसकी पूरी जिंदगी खराब कर दी। युवराज की पूरी बात सुनने के बाद अजय सिन्हा का शरीर बुरी तरह से कांपने लगा और उनकी आंखें नम पड़ गईं। उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, तुम दोनों के दोनों जानवर हो, तुम दोनों ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। अजय सिन्हा के मन में अब बार बार बीती पुरानी बातें ही चल रही थी। उन्होंने मन ही मन में कहा, कई साल पहले हॉस्पिटल में जब माही का कार एक्सीडेंट हुआ और उसका मिसकैरेज हो गया तो वो बार बार मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी। मैंने बहुत बेरहमी से उसकी डांट लगाई और उसे बहुत गलत चीजें कही। मैं बहुत ही ज्यादा बुरा था और मैंने माही को खुद से दूर अब्रॉड भेज दिया और उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि जब वो इंडिया वापस लौटी तब भी माही की नजरों में मैंने अपने लिए सिर्फ नाराजगी ही देखी। मुझे याद है किस तरह माही ने मुझसे कहा था कि मैं उसका पापा कहलाने के लायक नहीं हूं। ये बिल्कुल सच है, मैं बिल्कुल भी लायक नहीं हूं। मैं माही का पापा कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं हूं। मेरी वजह से आज मेरी बेटी पूरी तरह से अकेली है, मैंने उसे अकेला कर दिया था। मिस्टर बर्मन और मिसेस बर्मन, जिन्हें अंदर की सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पूरी बात जानने के बाद उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि रागिनी इतनी ज्यादा गिरी हुई थी कि जवानी में भी उसने इतनी डरावनी हरकतें की जिसके बारे में वो लोग सोच भी नहीं पा रहे थे। मिसेस बर्मन ने हैरान लगते हुए कहा, ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं होता कि हमारा बर्मन परिवार किस चक्कर में फंस गया है। युवराज, तुम ऐसा कैसे कर सकते थे? भला तुम इस तरह की औरत के साथ इन्वॉल्व कैसे हो गए? युवराज ने मुस्कुराकर अपनी मां से कहा, उन दिनों आप दोनों ही तो चाहते थे कि मैं और माही अलग हो जाएं, और आप दोनों ही मेरा और रागिनी का रिश्ता करवाना चाहते थे क्योंकि आप दोनों को लगा कि रागिनी हमारे परिवार के लिए बिल्कुल ठीक थी। युवराज की कही ये बात सुनकर मिसेस बर्मन की बोलती अचानक बंद हो गई। ऐसे में उनका कुछ भी बोलना या फिर अफसोस करना पूरी तरह से यूजलेस था। मिसेस बर्मन ने फिर मन ही मन में कहा, चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब मुझे युवराज और रागिनी को अलग करना ही होगा। युवराज को इस औरत को डाइवोर्स देना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि इस तरह की जहरीली नागिन हमारे बर्मन परिवार में एक पल के लिए भी रहे। ठीक उसी वक्त अजय सिन्हा ने चिल्लाकर रागिनी से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम तड़प तड़प कर मर जाओ। ये सुनकर रागिनी हंसने लगी और फिर उसने अजय सिन्हा से कहा, मगर ऐसा कैसे हो सकता है मिस्टर सिन्हा, आपके पास तो कंपनी का 1% शेयर तक नहीं है, भला आपके कहने से मेरी मौत तड़प तड़प कर कैसे होगी? रागिनी का ऐसा बर्ताव देखकर अजय सिन्हा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। सिन्हा परिवार की खिल्ली उड़ाने के बाद रागिनी ने मुस्कुराते हुए मिस्टर एंड मिसेस बर्मन की तरफ देखकर कहा, और हाँ, आप दोनों ये बात समझ लो कि चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लो, मैं युवराज को डाइवोर्स नहीं दूंगी, और अगर आप दोनों यही चाहते हो तो मुझे इस बात को कोर्ट में एक्सपोज करने से कोई नहीं रोक पाएगा कि किस तरह बर्मन कंपनी घूसखोरी करके अपना काम चलाती है। ये सुनकर मिस्टर बर्मन के चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम से बदल गया और उन्होंने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? मिस्टर बर्मन ने कभी इस बात की उम्मीद नहीं की कि रागिनी के हाथ इतना बड़ा सबूत लग जाएगा। इस बात से मिसेस बर्मन भी दंग रह गई और उनके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया। रागिनी ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, तुम लोग मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुम लोग मेरा और युवराज का डाइवोर्स कराना चाहते हो तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ, बर्मन परिवार की बड़ी बहू की पोजीशन सिर्फ मेरी और मेरी ही रहेगी। मैं हमेशा हमेशा के लिए मिसेज रागिनी बर्मन के नाम से जानी जाऊंगी। रागिनी की आवाज पूरे कमरे में गूंजती रही और वहां मौजूद हर एक इंसान पूरी तरह से दंग रह गया। इतने सालों तक मिस्टर एंड मिसेस सिन्हा जिस लड़की को अपनी भोली और मासूम बेटी मानते रहे और मिस्टर एंड मिसेस बर्मन ने जिसे अपनी काबिल बहू माना, वो असल में इंसान के रूप में एक शैतान निकली।
वहीं दूसरी तरफ ब्लैक कार के अंदर प्रेम ओबेरॉय काफी एक्साइटेड लग रहा था और उसने माही की तरफ देखते हुए उससे कहा, भाभी आपने तो कमाल कर दिया, वहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ देखकर तो मेरा खून खौल रहा था। आपकी एक्टिंग स्किल्स तो वाह वाह, यहाँ तक कि मैं भी आपसे धोखा खा गया। मुझे लगा कि आपके पास जो सबूत था वो बिल्कुल असली था। और तो और, क्या आपने और भैया ने मिलकर पहले से ही ये प्लान बना लिया था? बैक सीट में बैठी माही आराम से विक्रम की बाहों में अपना सर रखकर बैठी हुई थी और उसने मुस्कुराकर विक्रम की तरफ देखते हुए कहा, क्या मुझे और मेरे पति को पहले से ही कोई प्लान बनाने की जरूरत है? हम दोनों तो एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, मैंने सही कहा ना डार्लिंग? माही की ये बात सुनकर विक्रम मुस्कुराने लगा और उसने हामी भरते हुए अपना सर हिलाया। माही और विक्रम का पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन देखकर प्रेम की बोलती बंद हो गई। फिर माही ने एनालाइज करते हुए कहा, दरअसल ये एक साइकोलॉजिकल जंग थी। जो वीडियो मैंने सबको दिखाई वो स्पेशल इफेक्ट्स और मेरे एक्टिंग स्किल से बनाई गई थी। उससे मुझे 70% यकीन हो गया था कि मैं रागिनी को अपने जाल में फंसा लूंगी, मगर जैसे ही मेरे प्यारे पतिदेव वहां पहुंचे तब मुझे यकीन हो गया कि जीत सिर्फ मेरी ही होगी। माही ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि रागिनी माही को अंडर एस्टिमेट कर लेगी, मगर विक्रम ओबेरॉय के रहते वो उसके जाल में आसानी से फंस जाएगी और सबके सामने अपना जुर्म कबूल कर लेगी। माही की कही बात सुनकर प्रेम ओबेरॉय की आंखें नम पड़ गईं और वो उन दोनों के पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन से काफी परेशान लगने लगा। फिर उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अब जबकि सच्चाई सामने आ ही चुकी है तो मुझे पूरा यकीन है कि सिन्हा परिवार और रागिनी के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हो रही होगी। आफ्टर ऑल अब रागिनी के पास सिन्हा परिवार के काफी सारे शेयर्स भी हैं। ये सुनकर माही ने फिर मुस्कुराकर प्रेम ओबेरॉय से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि अजय सिन्हा को हैंडल करना इतना आसान होगा? इसके बारे में सोचते हुए प्रेम ओबेरॉय ने हामी भरकर कहा, आपने बिल्कुल सही कहा, रागिनी बहुत ही ज्यादा एरोगेंट थी। वो तो सिर्फ अपने पावरफुल कनेक्शंस को यूज कर रही थी और सिन्हा और बर्मन परिवार के इन्फ्लुएंसेस से लोगों को कंट्रोल किया करती थी, मगर अब जबकि उसने अपने ही हाथों से अपने पावर को बर्बाद कर दिया तो वो किसी तरह से कोई कमबैक नहीं कर पाएगी। कुछ दिनों के बाद प्रिया कपूर और युवराज बर्मन को एक साथ कमरे में देखकर रागिनी तंग रह गई। रागिनी ने युवराज के पीछे से प्रिया के बालों को खींचकर उसे बाहर निकाला और चिल्लाकर उससे कहा, चुड़ैल कहीं की, तुम्हारी इतनी हिम्मत, आखिर तुमने मेरे पति को छूने की जरूरत कैसे की? दर्द के मारे प्रिया चिल्लाने लगी, मगर जल्द ही उसने रागिनी को धक्का देते हुए चिल्लाकर उससे कहा, अब मुझे ये सब करने से भला कौन रोक सकता है? सिर्फ क्योंकि मैं तुम्हें रागिनी जी या फिर रागिनी मैडम बुलाया करती थी तो तुम्हें क्या लगा कि तुम आज भी स्टारलाइट की वाइस प्रेसिडेंट बनी रहोगी? और ये तुम मुझसे कैसे पूछ रही हो कि ये सब करने की मैंने हिम्मत कैसे की? सच तो ये है कि तुम तो मुझसे भी कई गुना ज्यादा गई गुजरी हो। प्रिया की ऐसी बातें सुनकर और ऐसा बर्ताव देखकर रागिनी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया और उसने चिल्लाकर कहा, तुमने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। इस पॉइंट पर प्रिया कपूर को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसने ज्यादा कपड़े नहीं पहने थे। सच तो ये था कि वो रागिनी के सामने प्राउडली अपने बदन पर युवराज के लव बाइट्स को शो ऑफ कर रही थी। रागिनी से कहा, मैंने तुमसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे की? अब क्या तुम्हें इस बात का डर लग रहा है कि लोग तुम्हारे बारे में बातें करने लगेंगे? रागिनी, सच तो ये है कि दुनिया में हर कोई तुम्हारी सच्चाई जान चुका है। ना ही सिर्फ तुम पावर और पैसों के लिए लालची हो, जिसकी वजह से तुमने सिन्हा मैडम और उनके पेट में पल रहे बच्चे को चोट पहुंचाई, बल्कि तुमने तो युवराज को भी धोखा देकर किसी और मर्द के साथ रात गुजारी। मैंने तो बिल्कुल सच कहा कि तुम कई गुना ज्यादा गई गुजरी हो। उस दिन हॉस्पिटल के उस कमरे में कई सारे लोग मौजूद थे। हालांकि उन लोगों ने माही और विक्रम ओबेरॉय के बारे में किसी से कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की, मगर सिन्हा परिवार, बर्मन परिवार और रागिनी की सच्चाई हर एक के कानों तक पहुंच चुकी थी। अब सब लोग ये बात अच्छी तरह से जान चुके थे कि युवराज को रागिनी ने धोखा दिया था। रागिनी ने कभी इस बात की उम्मीद नहीं की कि एक दिन वो इंसान उसे इंसल्ट करेगी जो सबकी नजरों में काफी गिरी हुई थी, और वही औरत आज युवराज के साथ एक ही बिस्तर पर दिखाई दी।
रागिनी ने फिर युवराज की तरफ देखा जो काफी देर तक चुप खड़ा हुआ था, और उसने युवराज से कहा, युवराज क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अब तुम इस तरह की लड़की को पसंद करने लगे हो? क्या तुम जानते भी हो कि ये लड़की कितने सारे मर्दों के साथ रात गुजार चुकी है? इस पॉइंट पर प्रिया कपूर ने युवराज को गले लगाते हुए रागिनी से कहा, तो क्या हुआ अगर मैं कई सारे लोगों के साथ रात गुजार चुकी हूँ? मेरे पास कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो मेरे डार्लिंग युवराज को बेहद पसंद है। रागिनी ने इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की कि प्रिया उसके सामने इतनी बेशरम बातें करेगी। ये देखकर रागिनी प्रिया को अटैक करने के लिए उस पर टूट पड़ी। दोनों रागिनी और प्रिया कपूर आपस में बुरी तरह से लड़ने लगे, और फिर अचानक प्रिया ने मदद मांगते हुए कहा, युवराज डार्लिंग प्लीज मेरी मदद करो। ठीक उसी वक्त युवराज ने रागिनी को धक्का मारते हुए चिल्लाकर उसे कहा, बस बहुत हो गया रागिनी। धक्के की वजह से रागिनी जमीन पर गिर गई और वो हैरानी के मारे युवराज की तरफ देखने लगी। वो युवराज को प्यार से पुकारना चाहती थी, मगर क्योंकि प्रिया उसे बार बार डार्लिंग पुकार रही थी, तो इसीलिए रागिनी को युवराज से घिन आ रही थी। और फिर उसने उदास लगते हुए युवराज से कहा, युवराज इस गिरी हुई औरत के लिए तुमने मुझे धक्का दिया, तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कर कैसे सकते हो? ये सब करके क्या तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो या फिर खुद की? रागिनी ने फिर मन ही मन में कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्योंकि ये औरत थोड़ी बहुत माही जैसी लगती है, तो इसीलिए युवराज ने बाकी सारी लड़कियों में से इसे चुना और अब वो मुझे छूना भी नहीं चाहता। इसके बारे में सोचकर रागिनी काफी नाराज लगने लगी। युवराज ने कैजुअली अपने कपड़े पहने और उसकी आंखों में थकान दिखाई दे रही थी। आमतौर पर उसके चेहरे पर जो नरमी दिखाई दिया करती थी वो अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी, और उसने इरिटेटेड लगते हुए रागिनी से कहा, रागिनी मैं तुम्हें मिसेज युवराज बर्मन का नाम और उसकी पोजीशन तो दे सकता हूं, मगर इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आज के बाद से हम दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। युवराज की कही ये बात सुनकर रागिनी के होश उड़ गए और उसने युवराज के शब्द दोहराते हुए कहा, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। रागिनी हैरान लगते हुए युवराज की तरफ देखने लगी और उसने मन ही मन में कहा, मैंने इस आदमी से इतना प्यार किया कि मैं हमेशा के लिए उसके नाम से जुड़ी रहना चाहती थी, इस वजह से पूरी दुनिया ने मुझसे नफरत की, और आज खुद युवराज ने भी मुझसे कह दिया कि वो मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। रागिनी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो उठकर खड़ी हुई और वो दौड़ते हुए कमरे से बाहर चली गई। इससे पहले कि वो पार्किंग स्पॉट पर पहुंच पाती, कई सारे रिपोर्टर कहीं से बाहर निकले और उन्होंने रागिनी को घेर लिया। रिपोर्टर्स एक एक करके रागिनी से सवाल पूछने लगे, मिस रागिनी आपने अपनी मां के बच्चे की जान ली और अपने परिवार से दगाबाजी की, इसके बारे में आपको क्या कहना है? मिस रागिनी आपके पेट में जो बच्चा पल रहा था उसका पिता कौन है? सुनने में तो आया है कि आपने स्टारलाइट एंटरटेनमेंट के सीईओ के साथ रात गुजारी थी, क्या ये बात सच है? हालांकि ये बात साबित हो गई है कि वो बच्चा मिस्टर युवराज बर्मन का नहीं था, मगर कम से कम वो आपका बच्चा तो था। उसकी जान लेने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? हमने सुना कि दो मासूम बच्चों की जान लेने के बाद आपने मिस माही सिन्हा को फ्रेम करने की कोशिश की, और आप बार बार उन्हें अलग अलग चीजों से फ्रेम करने की कोशिश करती रहीं। क्या इसकी वजह आपकी जलन और इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है? रिपोर्टर्स एक के बाद एक अपने सवाल रागिनी पर फायर करने लगे, और रागिनी भीड़ में से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, मगर क्योंकि वहां कई सारे रिपोर्टर्स और कई सारे फैंस मौजूद थे, तो इसीलिए वो अपनी जगह पर जमी हुई थी। उसने लाचारी के मारे चिल्लाते हुए कहा, चले जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं कोई इंटरव्यू एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। तभी अचानक किसी ने रागिनी के चेहरे पर एक अंडा फेंक कर मारा, जिसकी वजह से रागिनी चिल्लाने लगी। उसके बाद कई सारे लोग एक एक करके अंडे, पानी की बोतल और कई सारी गंदी चीजों को रागिनी पर फेंकने लगे। वहीं दूसरी तरफ ओबेरॉय रेजिडेंस पर रुक्मिणी ओबेरॉय ने नाराज लगते हुए माही से कहा, तुम्हारे पेरेंट्स ने सच में बहुत बुरा किया, भला वो इतने नादान कैसे हो सकते हैं? माही को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने जवाब देते हुए कहा, कोई बात नहीं मम्मी जी, ये सब अब मेरे लिए बीती पुरानी बातें हैं।
रुक्मिणी ओबेरॉय ने फिर प्यार से माही का हाथ पकड़ते हुए उससे कहा, माही बेटा, मेरी बात मानो और खुद को प्रताप परिवार की तरफ से इंट्रोड्यूस करो। अगर तुम्हें वो ठीक नहीं लग रहा तो सबसे कह दो कि तुम ओबेरॉय परिवार की बहू हो, तब देखते हैं कि तुम पर उंगली उठाने की हिम्मत कौन करता है। इस पॉइंट पर रुक्मिणी ओबेरॉय हिचकिचाने लगी और फिर उन्होंने कहा, वैसे माही बेटा, जल्दी विक्रम का बर्थडे आने वाला है। मैं चाहती हूँ कि परिवार की बड़ी बहू होने के नाते तुम इस फंक्शन को अटेंड करो। हालांकि रुक्मिणी ओबेरॉय और माही के बीच का रिश्ता काफी अच्छा हो चुका था, मगर अब उन्हें इस बात का डर था कि शायद माही ओबेरॉय परिवार की बड़ी बहू होने के नाते खुद को पब्लिकली इंट्रोड्यूस ना करना चाहे। मगर माही ने इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उसके करंट स्टेटस को देखकर उसे लगा कि ये वक्त इस बात को पब्लिकली अनाउंस करना बिल्कुल ठीक था। माही ने फिर जवाब देते हुए रुक्मिणी ओबेरॉय से कहा, जी मम्मी जी, मैं इसकी तैयारी कर लूंगी। माही की कही ये बात सुनकर रुक्मिणी ओबेरॉय को तसल्ली मिली और उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम पार्टी के लिए सब कुछ अरेंज कर लेंगे, तुम बस तैयार होकर वहां पर आ जाना। तभी अचानक जब माही और रुक्मिणी ओबेरॉय आपस में बातें कर रहे थे तो गार्डन एरिया की तरफ से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज निर्वाण जैन की थी। पिछले कुछ वक्त से बनी और निर्वाण एक दूसरे के साथ फ्रेंडली टर्म्स पर थे और अब निर्वाण बनी को हर जगह फॉलो करने लगा था। वो बनी से फाइटिंग सीखना चाहता था। निर्वाण हमेशा काफी एक्टिव रहता था और वो शांत रहने वाले बनी से बहुत ज्यादा अलग था, मगर इसके बावजूद भी वो दोनों फिलहाल एक दूसरे के साथ अच्छे टर्म्स पर थे। निर्वाण अपनी आंख पर लगी चोट को कवर करते हुए रोकर दौड़ते हुए आया और उसने रुक्मिणी ओबेरॉय से कहा, रुक्मिणी दादी, देखो ना, बनी ने मुझे मारा। रुक्मिणी इस बात से काफी सरप्राइज लग रही थी और उन्होंने पूछा, ये क्या हो गया, आखिर बनी ने तुम्हें क्यों मारा? जब माही ने देखा कि निर्वाण को चोट लगी थी तो वो भी काफी हैरान लगने लगी, क्योंकि माही ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि बनी ऐसा बच्चा नहीं था जो बेवजह किसी के साथ वायलेंट बिहेव करे, तो इसीलिए उसे भी ये सिचुएशन बिल्कुल समझ नहीं आई। माही ने देखा कि बनी दरवाजे के पास खड़ा हुआ था और उसने बनी को अपने पास बुलाते हुए कहा, बनी बेटा, यहां आओ। बनी निराश लग रहा था और उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली थी। फिर वो धीरे से चलकर माही के पास गया। जब माही ने देखा कि बनी अपना सर झुकाए खड़ा हुआ था तो उसने बनी के बालों को सहलाते हुए कहा, क्या हुआ बनी बेटा, आखिर तुमने निर्वाण को क्यों मारा, क्या उसने कुछ गलत किया? तभी अचानक वहीं पास में खड़ा निर्वाण रोने लगा और उसने माही से कहा, आंटी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था, मगर फिर पता नहीं बन्नी को गुस्सा क्यों आया और उसने मुझे अचानक जोर से मुक्का मारा। जब निर्वाण ने अपनी बात पूरी की तो माही और भी ज्यादा हैरान लगने लगी और उसने पूछा, क्या तुम मेरी तारीफ कर रहे थे? तभी अचानक पीछे से प्रेम ओबेरॉय की हंसी सुनाई दी और उसने पूछा, मोटे बच्चे, आखिर तुमने उनकी तारीफ कैसे की? निर्वाण प्रेम ओबेरॉय की तरफ घूर कर देखने लगा और उसने कहा, मुझे मोटा बच्चा मत बुलाओ, मैंने सच में आंटी की तारीफ की, मैंने कहा कि वो बहुत खूबसूरत है। प्रेम ओबेरॉय बनी की तरफ देखने लगा और फिर उसने निर्वाण से दोबारा पूछा, क्या सच में, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने ये बात बनी से किस तरह कही? निर्वाण ने फिर याद करने की कोशिश करते हुए कहा, मैंने बनी से कहा कि तुम्हारी सौतेली माँ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, हाँ मैंने ठीक वैसे ही कहा था। निर्वाण की कही ये बात सुनकर प्रेम ओबेरॉय जोर जोर से हंसने लगा और फिर उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मोटे बच्चे, ऐसी बात कहने के बाद तो तुम बनी के पिटाई डिजर्व करते हो, तुमने तो इस बच्चे का दिल तोड़ दिया। निर्वाण इस बात से काफी कंफ्यूज लग रहा था। वो तभी शांत हो पाया जब रुक्मिणी ओबेरॉय उसके लिए कुछ स्नैक्स ले आई। माही को बनी की प्रॉब्लम समझ में आ गई तो उसने बनी को कोने में अपने साथ ले जाते हुए उससे पूछा, बनी बेटा, तुमने निर्वाण को क्यों मारा, क्या तुम अपनी मम्मी को नहीं बताओगे? ये सुनकर बनी ने अचानक माही को गले लगाया
और उसे पुकारा, मम्मी। माही ने फिर कहा, हाँ बेटा मैं सुन रही हूँ। बन्नी कुछ बोलने के लिए हिचकिचा रहा था, फिर उसने अपनी आंखों में आंसू दिखाते हुए माही से कहा, आप मेरी सौतेली माँ नहीं हो, आप सिर्फ मेरी मम्मी हो। बनी की कही ये बात सुनकर माही को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसका दिल टूटकर बिखर रहा था। फिर उसने बनी की पीठ को सहलाया और बड़े नरम अंदाज से कहा, हाँ बनी बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी ही हूँ। वहीं दूसरी तरफ स्टडी रूम के अंदर प्रेम ओबेरॉय दौड़कर गया और पूरी कहानी अपने भाई विक्रम से कहने लगा, भैया आपको पता है अभी क्या हुआ? वो जो मोटा बच्चा निर्वाण जैन है ना, उसने बनी से कुछ बहुत गलत कह दिया। उसने कहा कि माही भाभी बनी की सौतेली माँ है और बनी का दिल टूट गया, और उसके बाद बनी ने उसके मुंह पर एक कसकर मुक्का मारा, और अब बनी माही भाभी के साथ है और उनके लाड़ और प्यार को एंजॉय कर रहा है। इस सिचुएशन को देखकर तो यही लग रहा है कि बनी को अभी भी इस बात से परेशानी होती है। मुझे लगता है कि बनी का मूड आजकल कुछ खास ठीक नहीं है, मगर हम अब कर भी क्या सकते हैं। जब माही भाभी की आइडेंटिटी पब्लिकली अनाउंस कर दी जाएगी तब तो लोग इसके बारे में और भी ज्यादा बातें करने लगेंगे। लोगों की नजरों में तो माही भाभी बनी की सौतेली माँ ही होगी ना। जब विक्रम ओबेरॉय ने अपने भाई प्रेम ओबेरॉय की राय सुनी तो उसने अपने डॉक्यूमेंट्स में से नजरें हटाई और एक गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर के बाद विक्रम ओबेरॉय ने प्रेम की तरफ देखते हुए उससे पूछा, उस मैटर को लेकर तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? इस पॉइंट पर प्रेम ओबेरॉय काफी सीरियस लगने लगा और उसने जवाब देते हुए कहा, भैया आप हमेशा हर चीज का सही अंदाजा लगा लेते हो। कई साल पहले उस जगह की सिक्योरिटी फुटेज के साथ वाकई में छेड़खानी की गई थी, और इसीलिए मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि भला वहां पर कोई भी सबूत क्यों नहीं छूटा। मैं तब तक इन्वेस्टिगेट करता रहा जब तक कि मेरा दिमाग खराब नहीं हो गया। फिर मुझे पता चला कि जिस किसी ने भी सबूत मिटाया उसने चुपके से सिक्योरिटी फुटेज के बीच में भी कुछ मिनट की एडिटिंग कर ली थी। अब मैंने एक एक्सपर्ट के ग्रुप को हायर किया है और वो सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस हमें कुछ वक्त का इंतजार करना होगा। प्रेम ओबेरॉय की पूरी बात सुनने के बाद विक्रम ओबेरॉय ने हामी भरते हुए अपना सर हिलाया। फिर प्रेम ओबेरॉय कुछ देर तक हिचकिचाने लगा और फिर उसने पूछा, तो फिर भैया जब बनी के सामने सब कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा तो क्या आप भाभी को भी सच्चाई बता दोगे? मेरा मतलब बनी की हिस्ट्री के बारे में और अपने बारे में भी। काफी देर तक सोचने के बाद विक्रम ओबेरॉय ने हामी भरते हुए अपना सर हिलाया। वक्त बहुत तेजी से गुजरता गया और जल्द ही विक्रम ओबेरॉय का बर्थडे आ गया। इस वक्त विक्रम की बर्थडे पार्टी शहर के टॉप प्राइवेट वेन्यू हेवनली स्प्रिंग रिजॉर्ट में ऑर्गेनाइज की गई थी। इनफैक्ट इसकी तैयारी कुछ महीनों पहले ही शुरू हो चुकी थी। जो मेहमान इस बर्थडे पार्टी को अटेंड करने के लिए काफी दूर से आए थे उनके रहने की अरेंजमेंट रिजॉर्ट में ही की गई थी। अगले दिन पूरा बैंक्वेट रिजॉर्ट के पीछे वाले हॉल में कंडक्ट किया जाएगा। मेन वेन्यू को डांस फ्लोर, एक छोटा सा बैंड, एक बड़े से एलईडी स्क्रीन और कई सारा बेहतरीन खाना और अच्छी वाइन के साथ सेटअप किया गया था। वहां पर एक रेसिंग ट्रैक, स्विमिंग पूल, गोल्फ कोर्स और बाकी सारी एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज को भी इंक्लूड किया गया था, जहां सारे मेहमान रिलैक्स और एंजॉय कर पा रहे थे। वहां पर कई सारे मेहमान नहीं थे, मगर जो कोई भी वहां मौजूद था वो टॉप एरिस्टोक्रेट था या फिर किसी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग किया करता था। यहां तक कि वहां के कुछ मेहमान रॉयल खानदान से भी मौजूद थे जो अब्रॉड से विक्रम के बर्थडे पार्टी को अटेंड करने आए थे। माही वहां काफी जल्दी पहुंच चुकी थी, वो अरेंजमेंट्स में मदद करना चाहती थी, मगर रुक्मिणी ओबेरॉय को इस बात का डर था कि माही थक जाएगी, तो इसीलिए उन्होंने माही को किसी काम में इन्वॉल्व होने नहीं दिया। अंजना प्रताप को इस बात का डर था कि शायद माही ओबेरॉय परिवार के कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स को हैंडल नहीं कर पाएगी, मगर माही को इस तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। ना ही सिर्फ रुक्मिणी ओबेरॉय ने माही से किसी चीज का कोई डिमांड नहीं किया, बल्कि वो तो माही से ये कहती रही कि वो ओबेरॉय परिवार की बड़ी बहू थी, और क्योंकि उसकी शादी ओबेरॉय परिवार में हो चुकी थी तो इसीलिए उसे ओबेरॉय परिवार का प्यार और पैम्पर मिलने का पूरा हक था।
रुक्मिणी ओबेरॉय ने घर का सारा काम नौकरों पर छोड़ दिया था ताकि माही को कोई परेशानी ना हो। यही वजह थी कि इस पार्टी में माही वहां पर सबसे ज्यादा रिलैक्स महसूस कर रही थी। उसने अपने हाथ में फ्रूट जूस का ग्लास पकड़ा हुआ था और वो किसी शांत जगह पर बैठ गई और पार्टी के ऑफिशियली शुरू होने का इंतजार करने लगी। जिस जगह पर माही बैठी हुई थी उसके पास एक शूटिंग रेंज था। वो वहां बैठकर जवान लोगों को शूटिंग करते हुए देख रही थी। तभी अचानक कोई चलते हुए माही के पास गया और उसने माही को सरप्राइज लगते हुए ग्रीट किया। अरे माही, तुम भी यहां पर हो? अंजना आंटी कहां पर हैं? आज माही ने काफी रेयरली एक हाई प्रोफाइल गाउन पहनी हुई थी जो मरून कलर का था और वो उस गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही थी। चाहे वो पार्टी में किसी भी कोने में क्यों ना गई और बिना कोई हरकत किए भी वहां मौजूद हर एक की नजर माही पर ही टिकी हुई थी। जो इंसान माही से बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि मोहन शर्मा था। वो अपनी आंखों की खुशी चाहकर भी छुपा नहीं पा रहा था। जब माही ने देखा कि उसके सामने कौन खड़ा था तो उसने पोलाइटली ग्रीट करते हुए कहा, हेलो मिस्टर शर्मा, मामी जी अभी आई नहीं है, मैं यहां उनसे पहले आ गई। ये सुनकर मोहन ने माही को इनवाइट करते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगी? इससे पहले कि माही कुछ कह पाती तभी अचानक एक लड़की ने उनके बीच के कॉन्वर्सेशन को इंटरप्ट करते हुए मोहन को पुकारा, हे मोहन। वो लड़की एक फॉरनर थी और उसने एक लाइट येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। वो दिखने में काफी स्वीट लग रही थी और उसने काफी पजेसिवली मोहन का हाथ पकड़ लिया। फिर उसने माही की तरफ देखते हुए कहा, तो तुम ही हो वो लड़की जिसने मोहन पर जादू कर रखा है और वो तुम्हारी वजह से मुझे इग्नोर कर रहा है। उस लड़की का ऐसा बर्ताव देखकर मोहन काफी परेशान लगने लगा और उसने कहा, एलिजा ये तुम क्या बकवास कर रही हो, ये तो। उस लड़की ने तुरंत मोहन की बात को काटते हुए कहा, हाँ हाँ मैं जानती हूँ, ये फेमस सेलिब्रिटी माही सिन्हा है, मैंने सही कहा ना, इन्हें कौन नहीं जानता। मोहन मुझे तो लगा कि तुम्हारे स्टैंडर्ड काफी हाई थे, मगर इसके बावजूद भी तुम्हें ऐसी लड़की पसंद आई जिसके पास गुड लुक्स के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये सुनकर मोहन काफी नाराज लगने लगा और फिर उसने एलिजा से कहा, एलिजा माही बस मेरी अच्छी दोस्त है। वो लड़की जिसका नाम एलिजा था उसने अपना मुंह बनाया और मोहन को कोई जवाब नहीं दिया, मगर फिर भी उसने हार नहीं मानी और उसने माही की तरफ देखकर उससे कहा, माही चलो एक कॉम्पिटिशन करते हैं, मैंने तुम्हारे फैन से सुना है कि तुम्हारी मार्क्समैनशिप काफी अच्छी है और असैसिन फिल्म में तुमने खुद सारे शूटिंग सीन्स को परफॉर्म किया था, क्या तुम मेरे साथ कॉम्पिटिशन करना चाहोगी? 10 बुलेट शॉट करते हैं और फिर हम दोनों टोटल स्कोर कैलकुलेट करेंगे, जो जीतेगा मोहन उसी के पास जाएगा। एलिजा का ये बर्ताव देखकर मोहन काफी एम्बैरस्ड लगने लगा। उसने माही की तरफ देखकर उसे एक्सप्लेन करते हुए कहा, मुझे माफ करना माही, एलिजा को बचपन से ही उसके परिवार वालों ने काफी पैम्पर कर रखा है तो इसीलिए वो काफी जिद्दी है, और तो और बचपन से ही ये अब्रॉड में पली बड़ी है तो इसीलिए वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, मगर वो दिल से वाकई में बहुत अच्छी है। वहीं पास में प्रेम ओबेरॉय जो कि कुछ देर पहले तक तो डेकोरेशन पर ध्यान दे रहा था, मगर अब जब उसने देखा कि उसके पास कौन सा सीन चल रहा था तो उसे गॉसिप की भूख लगने लगी और उसने तुरंत अपने भाई विक्रम ओबेरॉय को वीडियो कॉल किया। जैसे ही प्रेम का वीडियो कॉल विक्रम से कनेक्ट हुआ उसने विक्रम से कहा, भैया 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 गेस करो आज मैंने यहाँ पर किसे देखा, आज के इस ओकेजन पर यहाँ असल में आपका लव राइवल आपकी पार्टी को बर्बाद करने की हिम्मत करने आया है, वो इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद मिनिस्टर का बेटा मोहन शर्मा है। भैया मुझे तो लगता है कि अब आपके लव राइवल का लेवल बढ़ता जा रहा है, हर एक पिछले वाले से ज्यादा बेहतर लेवल पर होता है। उस वक्त विक्रम ओबेरॉय अभी भी अपने ऑफिस में थोड़ा काम निपटा रहा था, मगर जब उसने प्रेम का कॉल आंसर किया और वीडियो कॉल पर देखा तो वो स्क्रीन पर से अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। वीडियो कॉल पर प्रेम ओबेरॉय के पीछे से माही दिखाई दे रही थी। माही को देखते हुए विक्रम ओबेरॉय ने मन ही मन में कहा,
आज मेरी वाइफ सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। जब प्रेम ओबेरॉय ने देखा कि उसका भाई कहीं खोया हुआ लग रहा था और जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो पीछे खड़ी माही को देख रहा था, तो उसने नाराज लगते हुए कहा, भैया भैया, क्या आप सुन भी रहे हो कि मैं आपसे क्या बोल रहा हूं? मगर विक्रम ओबेरॉय ने प्रेम की बातों पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। फिर अचानक प्रेम ओबेरॉय ने नाराज लगते हुए विक्रम से कहा, अरे हाँ, मैं जानता हूँ कि आज आपकी पत्नी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है, मगर क्या आप माही भाभी पर से अपनी नजरें हटाकर यहाँ हो रही असली प्रॉब्लम की तरफ ध्यान दे सकते हो? कोई फिर से आपकी पत्नी पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा है। जब विक्रम ओबेरॉय ने प्रेम के मुंह से फिर से वो शब्द सुने तो उसके चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन छा गया। वहीं दूसरी तरफ जब माही ने देखा कि मोहन अलीजा के बर्ताव के लिए माही से माफी मांग रहा था और उसे सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहा था, तो माही ने जवाब में ज्यादा कुछ नहीं कहा और उसने कैजुअली कहा, कोई बात नहीं। ऐसे में जब अलीजा ने देखा कि किस तरह मोहन बड़ी नरमी से माही से बात कर रहा था, तो वो और भी ज्यादा जलन महसूस करने लगी और उसने माही से कहा, अरे क्या तुम मेरे साथ ये कॉम्पिटिशन करने वाली हो या नहीं? मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती जब कुछ लोग बिना कोई मेहनत किए सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। बेहतर होगा कि हम आपस में कंपटीशन करके फिर डिसाइड करेंगे कि कौन क्या जीतता है और क्या हारता है। हारने वाले को पीछे हटना पड़ेगा। ऐसे में तुम चाहो तो किसी भी चीज में मेरे साथ कंपटीशन कर सकती हो, चाहे वो हॉर्स राइडिंग हो, स्विमिंग हो, या फिर जो कुछ भी तुम्हारा मन करे। मोहन शर्मा ने इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की कि आज के दिन अलीजा की मुलाकात माही से हो जाएगी और वो माही से इस तरह की बातें करेगी। ये सब होते हुए देखकर मोहन बहुत घबराया हुआ महसूस कर रहा था। उसे इस बात का डर था कि आज तक जो इमेज उसने माही के सामने मेंटेन कर रखी थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। मगर मन ही मन वो ये भी देखना चाहता था कि माही अलीजा के साथ कॉम्पिटिशन करेगी या नहीं। वो देखना चाहता था कि माही उसके लिए लड़ना चाहेगी या नहीं। सच तो ये था कि मोहन की काबिलियत के साथ वो इस प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकता था, मगर उसने अलीजा को बिल्कुल भी नहीं रोका क्योंकि वो इस मौके का फायदा उठाते हुए माही के रिएक्शन को देखना चाहता था। मगर माही किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट नहीं करना चाहती थी, तो इसीलिए उसने फ्रैंकली अलीजा को एक्सप्लेन करते हुए कहा, अलीजा मुझे लगता है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मिस्टर मोहन और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, इनफैक्ट मेरी तो शादी हो चुकी है। माही की कही ये बात सुनकर अलीजा जोर जोर से हंसने लगी क्योंकि हर कोई ये बात अच्छी तरह से जानता था कि माही सिंगल थी और वो शादीशुदा नहीं थी। आमतौर पर लोग माही जैसी टॉप सेलिब्रिटी के हर एक एक्शंस पर क्लोज नजर रखते थे और ऐसे में अगर माही की शादी हो चुकी होती तो इस बात का राज रहना बिल्कुल नामुमकिन था। अलीजा ने हंसकर माही की तरफ देखते हुए उससे कहा, क्या बात है माही, कहीं तुम्हें इस बात का डर तो नहीं लग रहा ना कि तुम खुद की इंसल्ट कर दोगी? तो इसीलिए तुमने जानबूझकर मुझसे ये बात कही ताकि तुम इस सिचुएशन से बचकर निकल पाओ। चलो कोई बात नहीं, मैं मान लेती हूँ कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, मगर सिर्फ क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी है इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम मोहन में इंटरेस्टेड नहीं हो। अगर तुम्हारे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है तो मेरे साथ कॉम्पिटिशन क्यों नहीं कर लेती? अगर मैं हार जाती हूँ तो मैं तुम्हारे और मोहन के बीच में जो कुछ भी है उसमें इंटरफेयर करना बंद कर दूंगी। अलीजा की बातें सुनकर माही अपने हाथ में वाइन का ग्लास पकड़े मोहन की तरफ देखने लगी और उसने देखा कि मोहन अलीजा को किसी भी तरह से रोकने की कोशिश नहीं करना चाहता था। ठीक उसी वक्त धीरे धीरे करके कई सारे लोग उन्हें घेर कर उन लोगों के बीच का तमाशा होते हुए देखने लगे। माही कुछ देर तक इंतजार करने लगी। वो चाहती थी कि मोहन इस सिचुएशन को टाल दे, मगर जब उसने देखा कि मोहन अलीजा को रोकने की कोशिश तक नहीं कर रहा था तो फिर माही ने फाइनली कहा, ठीक है तो चलो मैं शूटिंग रेंज पर चलकर तुम्हारे साथ कम्पीट करती हूँ। जैसे ही मोहन ने माही की कही ये बात सुनी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने माही के इस रिएक्शन की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। रही बात माही के शादीशुदा होने की,
तो मोहन ने अनकॉन्शियसली इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि माही ने एलिजा को चुप कराने के लिए एक बहाना बना लिया था। एलिजा ये बात जानती थी कि माही के शूटिंग स्किल्स बहुत ही अच्छे थे, मगर वो ये बात बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि माही मिथुन प्रताप की पोती थी। मगर क्योंकि मोहन अंजना प्रताप से मिल चुका था तो वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि माही की मार्क्समैनशिप बिल्कुल परफेक्ट थी और वो शूटिंग में मान प्रताप से भी कई गुना ज्यादा टैलेंटेड थी। वहीं दूसरी तरफ प्रेम ओबेरॉय, जो कि वीडियो कॉल पर अपने भाई को पूरी सिचुएशन दिखा रहा था, वो ये देखकर दंग रह गया और उसने हैरान लगते हुए कहा, ये क्या हुआ, भाभी इस कॉम्पिटिशन के लिए मान कैसे गई? वीडियो कॉल पर विक्रम ओबेरॉय ने काफी नाराज लगते हुए प्रेम से कहा, कैमरा। विक्रम की ये बात सुनकर प्रेम काफी कंफ्यूज लगने लगा और उसने पूछा, हाँ? कैमरा को क्या हो गया? विक्रम ने फिर इरिटेटेड लगते हुए कहा, तुमने अपना फोन टेढ़ा पकड़ा है। ये देखकर प्रेम काफी हैरान लगने लगा और फिर उसने माफी मांगते हुए विक्रम से कहा, आई एम सो सॉरी भैया, मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ कि वहां क्या हो रहा है, ठीक है? प्रेम ओबेरॉय काफी परेशान लगने लगा और फिर उसने अपने भाई से पूछा, भला आपको इस बात की टेंशन क्यों नहीं हो रही है? आपको तो पता ही है ना कि आपकी बीवी शूटिंग में कितनी ज्यादा टैलेंटेड है, कि उसने तो रिया को भी हरा दिया था। हालांकि मैं माही भाभी को जीतते हुए देखना चाहता हूँ, मगर इस सिचुएशन में माही भाभी के जीतने का मतलब ये होगा कि वो उस मोहन शर्मा में इंटरेस्टेड है। ये सिचुएशन तो सच में बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। ड्रामा देखने के लिए कई सारे लोग उन्हें घेर कर शूटिंग रेंज पर खड़े हो गए। जिन लोगों से अंजना प्रताप ने माही को मिलवाया था वो ज्यादातर अलग परिवारों की बड़ी बहू या फिर इम्पोर्टेंट लोगों की वाइफ थी। मिसेस प्रताप चाहती थी कि माही ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना सीखे और उन लोगों की तरह बिहेव करना सीखे। यही वजह थी कि शहर के सिर्फ कुछ ही लोग प्रताप परिवार और माही के बीच के रिश्ते के बारे में जानते थे। जो लोग इस वक्त माही और एलिजा को घेर कर शूटिंग रेंज पर खड़े हुए थे उनमें से सिर्फ मोहन शर्मा ही इस सच्चाई को जानता था और बाकी लोग माही को सिर्फ इंडिया की सबसे बेहतरीन सेलिब्रिटी के नाम से जानते थे। आमतौर पर इस तरह के पॉपुलर इवेंट में होस्ट कुछ सेलिब्रिटीज को पार्टी का माहौल लाइटन करने के लिए इनवाइट करते थे। अब क्योंकि माही ग्लोरी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल आर्टिस्ट थी तो इसीलिए माही को उस पार्टी में देखकर लोगों को बिल्कुल भी अजीब महसूस नहीं हो रहा था। मगर जब लोगों ने देखा कि शायद माही और मोहन के बीच में कोई खिचड़ी पक रही थी तो लोगों का ध्यान उन पर काफी जल्दी पड़ा। हालांकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में माही का करंट स्टेटस काफी ऊंचा था और इसके अलावा माही सोल ब्रांड की ओनर से भी जानी जाती थी, मगर इसके बावजूद भी माही का स्टेटस मोहन शर्मा जैसे इंसान के लिए काफी कम था। सिचुएशन को देखकर लोगों ने आपस में कॉमेंट करते हुए कहा, मैंने सुना है कि एलिजा शूटिंग में बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है, अगर ऐसा नहीं होता तो वो इसके लिए कभी हामी नहीं भरती। मैंने तो ये भी सुना है कि एलिजा ने इस स्किल को दिखाकर अपने कई सारे रोमांटिक राइवल्स को बड़े आराम से सेटल डाउन किया है। अगर बात किसी और फील्ड की होती तब भी एलिजा को कोई हरा नहीं सकता है, वो लड़की तो हर काम में माहिर है। भला कोई एक्ट्रेस एलिजा से किसी तरह का कॉम्पिटिशन कैसे कर सकती है? एलिजा तो एक असली रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, उसकी माँ फ्रांस की रॉयल फैमिली की बेटी है। जब मोहन ने एलिजा की तारीफ में सब लोगों की बातें सुनी तो वो बिल्कुल भी इम्प्रेस्ड नहीं लग रहा था। वो ऐसी कई सारी लड़कियों से मिल चुका था जिन्हें बचपन से ही एलीट ट्रेनिंग दी गई थी। हालांकि वैसी लड़कियां कई सारे फील्ड में टैलेंटेड और स्किल्ड थी, मगर मोहन की नजरों में वो सब के सब काफी बोरिंग थी। मोहन फिर माही की तरफ देखने लगा। उसे अभी भी इस बात की एक्साइटमेंट हो रही थी कि किस तरह माही उसके लिए कम्पीट करने के लिए तैयार हो गई। पिछले कुछ महीनों से मोहन अपनी तरफ से धीरे धीरे माही को पटाने की कोशिश करता रहा और इसके बावजूद भी उसने किसी तरह की कोई हद पार नहीं की, क्योंकि उसके अंदर ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसे में उसने कभी इस बात की उम्मीद नहीं की कि एलिजा की वजह से उसे आज इतना बड़ा रिवॉर्ड मिल जाएगा। जब मोहन एक गहरी सोच में डूबा हुआ था तो एलिजा और माही के बीच का कंपटीशन शुरू हुआ। सबकी नजरें माही और एलिजा पर टिकी हुई थी।
ये डिसाइड किया गया था कि वो दोनों एक के बाद एक अपने टारगेट पर एम करेंगे और 10 शॉट्स के बाद फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट किया जाएगा। फर्स्ट शॉट एलिजा 9.7 पॉइंट्स, माही 9.6 पॉइंट्स। सेकेंड शॉट एलिजा 9.6 पॉइंट्स, माही 9.5 पॉइंट्स। थर्ड शॉट एलिजा 9.8 पॉइंट्स, माही 9.7 पॉइंट्स। पहले तीन शॉट्स में जैसा कि सबने उम्मीद की, माही एलिजा से पीछे रह गई। ये देखकर मोहन शर्मा ने अनकॉन्शियसली अपनी पीठ सीधी कर ली। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद माही अभी वार्म अप कर रही थी और उसके पास अभी भी कई सारे शॉट्स का मौका बचा हुआ था। उन दोनों के बीच का कंपटीशन कंटिन्यू हुआ। फोर्थ शॉट एलिजा 9.2 पॉइंट्स, माही 9.1 पॉइंट्स। फिफ्थ शॉट एलिजा 8.9 पॉइंट्स, माही 8.8 पॉइंट्स। सिक्स्थ शॉट एलिजा 9.4 पॉइंट्स, माही 9.3 पॉइंट्स। स्कोर्स को देखकर अब सब लोगों के होश उड़ गए। पहले तीन शॉट्स के दौरान किसी ने भी इस बात को नोटिस नहीं किया, मगर सिक्स शॉट्स के बाद सब लोग डाउटफुली स्कोर बोर्ड की तरफ देखने लगे। इस बात में कोई इत्तेफाक नहीं था कि माही का स्कोर हर बार एलिजा से 0.1 पॉइंट ही कम था। जब बारी सातवें शॉट तक पहुंची, तब तक शायद एलिजा को सबकॉन्शियसली ये बात इफेक्ट हुई और उसे सिर्फ 3.4 पॉइंट्स ही मिले। और फिर माही ने तुरंत अपना शॉट फायर किया और उसे 3.3 पॉइंट्स मिले। ये देखकर वहां मौजूद हर एक इंसान की बोलती बंद हो गई। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि ये उनकी कोई इमेजिनेशन नहीं थी, बल्कि माही जानबूझकर हारने की कोशिश कर रही थी। लोगों को अब किसी तरह की कोई गलतफहमी नहीं हो रही थी, क्योंकि हर बार अपने सामने वाले से 0.1 पॉइंट कम स्कोर करना हर बार 10 पॉइंट स्कोर करने से भी कई गुना ज्यादा मुश्किल था। कंपटीशन कंटिन्यू होता रहा। एट्थ शॉट एलिजा 9.8 पॉइंट्स, माही 9.7 पॉइंट्स। नाइन्थ शॉट एलिजा 5.5 पॉइंट्स, माही 5.4 पॉइंट्स। टेंथ शॉट पर एलिजा से गलती हो गई, जिसकी वजह से उसे सिर्फ एक ही पॉइंट मिला और फिर माही ने शूटिंग रेंज के बाहर शूट किया तो उसे 0 पॉइंट मिले। टेंथ शॉट पर वहां मौजूद सब लोगों ने देखा कि माही ने हवा में गोली चला दी थी। ये देखकर वहां मौजूद हर एक इंसान की बोलती बंद हो गई। ऐसे में कोई बेवकूफ ही होगा जिसे ये लगेगा कि माही जानबूझकर नहीं हारी थी। माही ने फिर सेफ्टी लॉक को ऑन करने के बाद उस गन को पास में खड़े एक वेटर को दे दिया और फिर उसने एलिजा की तरफ देखकर अपने कंधों को उठाते हुए कहा, मैं हार गई। इतना कहने के बाद माही वहां से चुपचाप चली गई। ये देखकर एलिजा काफी फ्रस्ट्रेटेड लगने लगी और उसका चेहरा लाल हो चुका था। फिर उसने चिल्ला कर कहा, तुमने ऐसा जानबूझकर किया। मोहन शर्मा अपनी जगह पर जमकर खड़ा रह गया। उसके मन में जो एक्साइटमेंट उभर रही थी और जो आग जल रही थी वो एकदम से बुझ गई। पूरी सिचुएशन को देखने के बाद प्रेम ओबेरॉय काफी इंप्रेस लग रहा था और वीडियो कॉल पर उसने अपने भाई से कहा, भैया माही भाभी ने तो कमाल कर दिया, हारने के बावजूद भी वो एलिजा से जीत गई। कॉम्पिटिशन को देखने के बाद विक्रम ओबेरॉय ने प्रेम से कहा, मैं वहां जल्दी पहुंच जाऊंगा। इतना कहने के बाद विक्रम ने फोन काट दिया। अब वो और ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहता था और वो जल्द ही माही के पास पहुंचना चाहता था। शाम ढल गई और ऑलमोस्ट सारे गेस्ट वहां आ चुके थे। वहां का माहौल ज्यादा लाइवली होता जा रहा था और वेन्यू में खूबसूरत लाइट्स जलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि आसमान के सितारे आज जमीन पर आ चुके थे। वहां मौजूद लोगों ने कॉमेंट करते हुए कहा, अरे वाह, ये सब कितना खूबसूरत है। आमतौर पर विक्रम ओबेरॉय की बर्थडे पार्टी किसी 5-स्टार होटल में ऑर्गेनाइज की जाती थी जो काफी बोरिंग लगता था, मगर इस बार अचानक सब कुछ काफी रोमांटिक लग रहा है। तभी अचानक वहां मौजूद कुछ लड़कियों ने जलन के मारे जवाब देते हुए कहा, शायद ये सब कुछ मिसेस ओबेरॉय की वजह से हुआ है।
आज रात को इस पार्टी में मिसेस ओबेरॉय भी मिस्टर विक्रम ओबेरॉय के साथ आने वाली हैं। क्या ये बात सच है? मुझे तो यकीन नहीं होता। मैं तो इस बात पर यकीन कर ही नहीं पा रही हूँ। क्या मिस्टर विक्रम ओबेरॉय की शादी सच में हो चुकी है? मैं भी इस बात पर यकीन नहीं करना चाहती थी, मगर मेरे सोर्सेस काफी रिलायबल हैं और उन्हें कोई गलतफहमी नहीं हो सकती। दरअसल काफी वक्त से ये र्यूमर सबके कानों तक पहुंच रहे थे, मगर क्योंकि ओबेरॉय परिवार ने इस खबर को आज तक लो प्रोफाइल रखा, तो इसीलिए कोई ये बात नहीं जानता कि मिसेस ओबेरॉय असल में कौन है। मैंने तो प्रेम ओबेरॉय से पता लगाने की भी कोशिश की और उसने मुझसे ये बात खुद कही कि आज उसकी भाभी इस पार्टी को अटेंड करने वाली है। हे भगवान, विक्रम को किसी और लड़की के साथ देखकर तो मेरा दिल ही टूट जाएगा। सिर्फ तुम्हारा ही दिल नहीं टूटेगा, तुम्हें पता भी है कि यहाँ कितनी सारी लड़कियों का दिल इस खबर से पहले ही टूट चुका है। मैं तो यही सोच रही हूँ कि आखिर वो लकी लड़की कौन है जिसे विक्रम ओबेरॉय जैसे पावरफुल इंसान को अपने कंट्रोल में रखने का मौका मिला। मैंने तो ये भी सुना है कि विक्रम ओबेरॉय उस औरत के पीछे पूरी तरह से पागल है। एलिजा अभी भी एंबैरस्ड होने की वजह से माही से नाराज थी, तो इसीलिए उसने मोहन शर्मा की बातों को पूरी तरह से इग्नोर किया और वो गुस्से में माही के पास गई और उसने माही से कहा, माही, तुमने अभी अभी क्या करने की कोशिश की? क्या तुम मुझे और मोहन को इंसल्ट करने की कोशिश कर रही हो? एलिजा की बातें सुनकर माही काफी कंफ्यूज लगने लगी और उसने एलिजा से पूछा, मैं इंसल्ट करने की कोशिश कर रही हूँ? मगर जीतने वाली इंसान तो तुम हो, इसमें तुम्हारी इंसल्ट कैसे हुई? अगर एलिजा माही को इस हद तक प्रोवोक नहीं करती तो शायद ये सब बिल्कुल नहीं होता। और तो और, अगर मोहन ने सही वक्त पर एलिजा को रोक लिया होता तो उन दोनों के बीच की लड़ाई कभी शुरू ही नहीं होती। इसके बारे में सोचते हुए माही ने मन ही मन में कहा, उन दिनों में काफी बिजी हुआ करती थी और मैं अपना सारा फ्री टाइम विक्रम के साथ बिताना चाहती थी। शायद इसीलिए मैंने मोहन को लेकर कभी कुछ अजीब नोटिस नहीं किया और ना ही उसने कभी अपनी हद पार करने की कोशिश की। मैंने तो हमेशा से ही मोहन को मामी जी के दोस्त के बेटे की नजरों से देखा, मगर अब जब मैंने देखा कि किस तरह मोहन मुझे देख रहा था तो मुझे उसके देखने के तरीके से कुछ अजीब महसूस हुआ। उसके बाद जिस तरह एलिजा ने मुझसे बात की और जिस तरह उसका एटीट्यूड था, तब मैं समझ गई कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ थी। उस वक्त अगर मोहन खुद इस इशू को कंट्रोल करता तो मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती और फिर मैं अकेले में किसी दिन मोहन को सब कुछ एक्सप्लेन कर देती। मगर मोहन ने तो एलिजा के प्रोवोकेशन को सपोर्ट किया और इसके बारे में कुछ भी नहीं किया, तो इसीलिए मुझे अपने तरीकों से इस इशू को रिजॉल्व करना पड़ा। जिस तरह से माही ने एलिजा से बात की वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मगर वो उससे कुछ कह भी नहीं पाई। एलिजा अपनी हार को एडमिट नहीं करना चाहती थी, मगर वो किसी तरह से अपनी खोई हुई इज्जत को वापस जीतना चाहती थी। फिर उसने अचानक माही के बेहतरीन अपीयरेंस को जज करते हुए उससे कहा, वैसे माही, आज तो मिस्टर ओबेरॉय की बर्थडे पार्टी है, आज के दिन पूरा स्पॉटलाइट मिस्टर एंड मिसेस ओबेरॉय पर होना चाहिए। ऐसे में तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह के कपड़े पहनकर तुम उनके स्पॉटलाइट को छीनने की कोशिश कर रही हो? आज के दिन माही की आउटफिट वाकई में बेहद हाई प्रोफाइल और अट्रैक्टिव लग रही थी। जब से माही पार्टी में आई तब से कई सारे लोग चुपके से उसे जज कर रहे थे, खास करके वेन्यू में मौजूद सारी लड़कियां सिर्फ माही को ही देख रही थी। ये बात साफ जाहिर थी कि सारे मर्द भी माही को ही चेकआउट कर रहे थे। ऐसे में जब एलिजा ने इस बात को पॉइंट आउट किया तो भीड़ में मौजूद लोग अचानक महसूस करने लगे कि माही ने वाकई में आज के दिन के लिए गलत आउटफिट चुन ली थी। इस तरह के इवेंट में सेलिब्रिटीज को मूड को लाइटन करने के लिए इनवाइट किया जाता था, तो ये बात साफ जाहिर थी कि माही वहां पर इकलौती सेलिब्रिटी नहीं थी। वहां मौजूद बाकी सारी सेलिब्रिटीज ने स्पॉटलाइट को अवॉइड करने की कोशिश करते हुए सिंपल कपड़े पहने, मगर माही ने काफी अटेंशन ग्रैबिंग रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। आमतौर पर ऐसी पार्टी में रेड कलर के कपड़े सिर्फ होस्ट पहना करते थे और सारे गेस्ट्स इस कलर के शेड को अवॉइड किया करते थे। ऐसे में माही को एक रेड कलर की ड्रेस में देखकर सबको काफी अजीब महसूस होने लगा। लोगों ने आपस में डिस्कस करते हुए कहा, माही तो कुछ ज्यादा ही हाई प्रोफाइल बिहेव करने लगी है ना?
क्या वो किसी तरह से मिसेज ओबेरॉय को एम्बैरेस करने की कोशिश कर रही है? चाहे कुछ भी हो जाए, वो है तो एक एक्ट्रेस ही ना। मुझे नहीं लगता कि उसे बड़े लोगों के घर के रूल्स के बारे में कुछ भी पता होगा। ठीक उसी वक्त एंट्रेंस की तरफ से कुछ आवाज सुनाई देने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे कि इवेंट का मेन इंसान आ चुका था। विक्रम ओबेरॉय, जो कि आमतौर पर डार्क कलर के कपड़े पहना करता था, उसने आज एक मरून कलर का सूट पहना हुआ था और वो दिखने में आज यूजुअल से ज्यादा काफी हैंडसम लग रहा था। शायद क्योंकि आज उसका बर्थडे था तो लोगों को लगा कि आज विक्रम का मूड काफी अच्छा था। विक्रम के चेहरे पर आज उसका गुस्सा नहीं दिखाई दे रहा था और वो काफी लाइवली लग रहा था। विक्रम को देखते हुए लोगों ने मुस्कुराकर कहा, हेलो मिस्टर विक्रम, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मिस्टर ओबेरॉय। लोगों के वेल विशेस के बीच विक्रम ने धीरे से अपना सर हिलाया और सारे मेहमानों को ग्रीट किया। उसके बाद वो चलकर वेन्यू के बीचों बीच चला गया, मगर विक्रम कहीं नहीं रुका और वो सीधे एक खूबसूरत लड़की के सामने जाकर खड़ा हो गया जिसने एक लंबा रेड कलर का गाउन पहना हुआ था। विक्रम उस लड़की के सामने इस तरह लग रहा था जैसे कि आसमान में एक ब्राइट सूरज चमक रहा था। उस लड़की के सामने खड़े होते हुए विक्रम ने कैजुअली उसे गले लगाया और फिर उसके लिप्स पर प्यार से किस किया। विक्रम के किस करने के बाद माही शर्माने लगी और उसने धीमी आवाज में कहा, हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। माही के चेहरे पर शर्म देखकर विक्रम का दिल पिघल गया और उसने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू माई लेडी। आसमान में सितारे चमक रहे थे। माही और विक्रम ओबेरॉय बेहतरीन लाइट से घिरे हुए थे और वहां का माहौल बेहद खूबसूरत लग रहा था। वेन्यू के बीचों बीच हैंडसम विक्रम ओबेरॉय और खूबसूरत माही एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे और वहां मौजूद हर एक इंसान की नजर उन दोनों पर टिकी हुई थी। उन दोनों के बीच का सीन किसी फेरी टेल्स जितना खूबसूरत लग रहा था। जब लोगों ने देखा कि विक्रम ओबेरॉय ने प्यार से माही को गले लगाते हुए उसे किस किया और माही को बड़े प्यार से माई लेडी पुकारा, तो वहां मौजूद हर एक लड़की जो माही के आउटफिट को लेकर अपना जजमेंट पास कर रही थी, वो सब के सब दंग रह गए। एलिजा, जो कि कुछ देर पहले तक माही से अपनी नाराजगी जता रही थी और इस बात का गुस्सा दिखा रही थी कि उसने मोहन को उससे छीनने की कोशिश की, वो इस वक्त अपनी जगह पर इस तरह जमकर खड़ी रही जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया था। माही और विक्रम ओबेरॉय को इस तरह देखकर एलिजा का मुंह खुला का खुला रह गया, मगर वो दोनों अपनी दुनिया में इस तरह खोए हुए थे जैसे कि वहां कोई और मौजूद ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों के पीछे खड़े मोहन शर्मा के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था, उसे तो इलैबोरेट करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये बात साफ जाहिर थी कि वो वाकई में ये सब देखकर काफी शॉक्ड लग रहा था। जो औरत इस वक्त विक्रम ओबेरॉय के सामने खड़ी थी, वो असल में खुद माही सिन्हा थी, जिसे मोहन पटाने की कोशिश कर रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस मिसेस ओबेरॉय का नाम उसने सुना था, वो असल में माही सिन्हा ही थी। उन दोनों को साथ में देखकर मोहन को याद आया कि कुछ देर पहले जब माही ने कहा था कि वो शादीशुदा थी, वो बात उसने यूं ही नहीं कही थी, बल्कि वो तो बिल्कुल सच बोल रही थी। कुछ देर के सन्नाटे के बाद लोग आपस में हैरानी के मारे कमेंट करने लगे, ओह माय गॉड, ये मैं क्या देख रही हूं? क्या इसका मतलब माही ही मिसेस विक्रम ओबेरॉय है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, विक्रम ओबेरॉय की वाइफ माही सिन्हा है? ये तो सच में बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। उस वेन्यू पर वहां मौजूद हर एक इंसान को अब समझ आया कि माही ने आज अचानक इतना हाई प्रोफाइल गाउन क्यों पहना हुआ था। सच तो ये था कि माही खुद मेन होस्ट की वाइफ थी। ऐसे में माही के अलावा वहां मौजूद किसी और इंसान को भी वो कलर और इस तरह का हाई प्रोफाइल गाउन पहनने का कोई हक नहीं था। सबसे फनी बात तो ये थी कि वहां मौजूद हर एक इंसान ने जानबूझकर सोच समझकर अपनी आउटफिट चुनी थी, क्योंकि उन्हें डर था कि वो किसी तरह से मिसेस विक्रम ओबेरॉय की लाइमलाइट को छीन लेंगे। मगर सच तो ये था कि किसी के अंदर मिसेस विक्रम ओबेरॉय की लाइमलाइट को छीनने की काबिलियत ही नहीं थी। विक्रम ओबेरॉय ने काफी नेचुरली माही का हाथ पकड़ा
और सबकी नजरों के बीच पार्टी की शुरुआत का अनाउंसमेंट करते हुए कहा, थैंक यू एवरीवन, मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग मेरी खुशी में शामिल होने के लिए यहां मौजूद हो। मैं और मेरी पत्नी तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं। जब वहां मौजूद लोगों ने देखा कि प्रिंस चार्मिंग विक्रम ओबेरॉय शादीशुदा था तो उन्हें एंजॉयमेंट जैसी कोई भी चीज महसूस नहीं हो रही थी। वहां मौजूद लड़कियां जो वहां पर खास तौर पर विक्रम ओबेरॉय से मिलने आई थी, उन्हें आज विक्रम और माही के पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन का शिकार बनना पड़ा और वो किसी भी वक्त इस टॉर्चर से रोने वाले थे। लोगों की नजर में विक्रम हमेशा से ही औरतों से काफी दूर रहा था। लोगों का मानना था कि कोई विक्रम तक पहुंचने के काबिल नहीं था और यही वजह थी कि लोगों को ऐसा लगने लगा कि विक्रम को लड़कियां नहीं बल्कि मर्द पसंद थे। मगर किसी ने भी इस बात की उम्मीद नहीं की कि उनकी इस सोच के पीछे एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज छुपा हुआ था और वो ये था कि विक्रम ने अपना पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन दिखाने के लिए इस बात को सही वक्त के लिए छुपा कर रखा था। इसके बारे में सोचकर लोगों ने नाराज लगते हुए आपस में कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? भला विक्रम जैसा इंसान माही जैसी लड़की के साथ शादी कैसे कर सकता है? हाँ, मैं मानती हूँ कि माही बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और मैं ये भी मानती हूँ कि वो दिखने में बेहद सुंदर है, मगर उसकी आइडेंटिटी को कंसिडर करते हुए और उसके फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वो विक्रम ओबेरॉय जैसे इंसान के लिए एक सही मैच है। हाँ बिल्कुल, अगर माही ने प्रेम ओबेरॉय से शादी की होती तब मुझे फिर भी ये बात समझ में आ जाती, मगर ये पोजीशन तो ओबेरॉय परिवार की बड़ी बहू का है, भला वो लोग इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? लोग बहुत ही ज्यादा लाचार महसूस कर रहे थे और इस बात से बिल्कुल भी कन्विंस्ड नहीं थे, मगर जो होना था अब वो हो चुका था। हालांकि लोग ना चाहते हुए भी इस बात को एडमिट कर रहे थे, मगर उनके सामने खड़े माही और विक्रम ओबेरॉय कपल के तौर पर बेहद ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे और लोग उन पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। वहां मौजूद बड़े घर की लड़कियां अभी भी हैरानी के मारे आपस में डिस्कशन कर रही थी, तभी अचानक एंट्रेंस से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। एंट्रेंस की तरफ देखते हुए किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे देखो, चीफ मिथुन प्रताप जी आए हैं। हालांकि मिथुन प्रताप के बाल सफेद हो चुके थे, मगर उनका अपीयरेंस काफी हेल्दी लग रहा था और वो बेहद अच्छे मूड में लग रहे थे। मिलिट्री यूनिफॉर्म में ना होने के बावजूद भी उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी जंग के मैदान से लौट रहे थे। हालांकि उनके पास खड़े वीरेंद्र प्रताप का भी ऑरा मिथुन प्रताप से मिलता जुलता लग रहा था, मगर वो और भी ज्यादा शार्प और खड़ूस लग रहे थे और उनकी तेज नजरों में एक अलग एहसास दिखाई दे रहा था। मिथुन प्रताप और वीरेंद्र प्रताप के पास अंजना प्रताप एक खूबसूरत इवनिंग गाउन पहने खड़ी हुई थी जो दिखने में हमेशा की तरह काफी ग्रेसफुल लग रही थी। उन तीनों के पीछे हमेशा की तरह काम और कंपोज लगने वाली खूबसूरत रश्मि प्रताप खड़ी हुई थी जिसने सोल ब्रांड का एक खूबसूरत गाउन पहना हुआ था, और मान प्रताप जो कि मिलिट्री यूनिफॉर्म में अपनी बहन के पास खड़ा हुआ था। इस परिवार को देखकर सबकी नजरें उन पर ही टिकी रहीं और सब लोग प्रताप परिवार को देखते रह गए। प्रताप परिवार को देखकर लोगों ने हैरानी के मारे कमेंट करते हुए कहा, लगता है कि आज पूरा का पूरा प्रताप परिवार यहां आ गया है। अरे वाह, क्या सच में? आखिर प्रताप परिवार ओबेरॉय परिवार के इतने करीब कब से बन गया? ये तो सिर्फ विक्रम ओबेरॉय की बर्थडे पार्टी है, मगर पूरा का पूरा प्रताप परिवार यहां आ चुका है। वहां मौजूद लोगों को ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी और उन्होंने हैरानी के मारे कमेंट करते हुए कहा, ये सब कुछ सच में थोड़ा अजीब लग रहा है। ये दोनों परिवार, जहां एक का बैकग्राउंड आर्मी और गवर्नमेंट है, वहीं दूसरे का बैकग्राउंड बिजनेस फील्ड में इन्वॉल्व है। आमतौर पर ये दोनों परिवार तो सिर्फ एक दूसरे को जानते थे, खास करके वीरेंद्र जी तो विक्रम ओबेरॉय से थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते थे, मगर मिथुन जी कभी किसी के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश नहीं करते, खास करके जब वो इंसान बिजनेस फील्ड से रिलेटेड होता है। मगर आज तो वो खुद चलकर विक्रम की बर्थडे पार्टी अटेंड करने आए हैं। ये बात मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है। ऐसे में तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता,
अब जबकि ओबेरॉय परिवार की ऐसी एग्जिस्टेंस है कि हायर अथॉरिटीज भी उनके साथ जान पहचान बढ़ाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि प्रताप परिवार भी इन हालातों के साथ मजबूर है। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ रश्मि प्रताप ने जब देखा कि माही अपनी खूबसूरत गाउन में भीड़ के बीचों बीच खड़ी हुई थी, वो तुरंत दौड़कर माही के पास गई और उसने माही को गले लगाते हुए कहा, माही कैसी हो तुम? जब माही ने रश्मि प्रताप को देखा तो उसने मुस्कुराकर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं और मुझे बहुत खुशी है कि तुम सब यहां आ गए। मान प्रताप, जो कि अपने मिलिट्री यूनिफॉर्म में अब तक काफी फॉर्मिडेबल लग रहा था, जब उसने माही को देखा तो वो भी खुशी खुशी माही के पास गया और उसने शो ऑफ करते हुए कहा, माही ब्रो, जल्दी से मुझे देखो, बताओ मुझे, क्या मैं अपनी यूनिफॉर्म में हैंडसम लग रहा हूं? बोलो ना, क्या मैं हैंडसम लग रहा हूं? जब माही ने देखा कि मान प्रताप दिन ब दिन और भी ज्यादा एनर्जेटिक बनता जा रहा था तो उसकी आंखों में एडमिरेशन छा गई और उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ बिल्कुल मान, तुम तो अब पहले से भी कई गुना ज्यादा हैंडसम हो गए हो। जब मान प्रताप ने अपनी मनचाही तारीफ सुनी तो वो बेहद खुश लगने लगा। अंजना प्रताप ने घूरकर अपने बेटे की तरफ देखा और फिर उन्होंने माही के आउटफिट को नोटिस करते हुए चमकती हुई आंखों से कहा, माही बेटा, तुम्हारी ये आउटफिट सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। तुम आमतौर पर बहुत ही ज्यादा सिंपल कपड़े पहनती हो, मगर मुझे लगता है कि अपनी एज के लिए तुम्हें इस तरह के ब्राइट कलर्स ही पहनने चाहिए। फिर जब तुम मेरी उम्र पर आ जाओगी तब तुम चाहकर भी ऐसे कपड़े नहीं पहन पाओगी। जब लोगों ने अपने सामने ये सब कुछ होते हुए देखा तो सबके चेहरों पर मिक्स एक्सप्रेशन छा गए। लोगों ने आपस में कॉमेंट करते हुए कहा, आखिर प्रताप परिवार माही से इतना घुल मिलकर बात क्यों कर रहे हैं? अरे क्या ये भी कोई पूछने वाली बात है? माही तो ओबेरॉय परिवार के नाम से अपना ही फायदा कर रही है। चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो माही ओबेरॉय परिवार की बड़ी बहू बन चुकी है और विक्रम ओबेरॉय से शादी कर चुकी है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, कुछ लोगों की किस्मत सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। इस ऊंचे पेड़ पर चढ़कर तो माही ने अपना स्टेटस बहुत ही ज्यादा ऊंचा कर दिया है। ये सब सच में बहुत ही गलत हो रहा है। आखिर हम में से कौन सी लड़की फैमिली बैकग्राउंड के टर्म्स पर माही से बेहतर नहीं है? आखिर ओबेरॉय परिवार को हो क्या गया है? उन्होंने इस तरह की लड़की की शादी अपने बेटे से कैसे करवा दी? अगर उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा तो कम से कम उन्हें आने वाले जनरेशन के जीन्स के बारे में तो सोचना चाहिए था ना। ये लड़की माही तो हमारे विक्रम को बिल्कुल भी मैच नहीं करती। जब लोगों ने देखा कि माही किस तरह प्रताप परिवार के इतने करीब बन चुकी थी तो लोग और भी ज्यादा जलन महसूस करने लगे। उन लोगों में मौजूद सिर्फ मोहन शर्मा ही था जो कि अंदर की पूरी कहानी जानता था और वो बहुत ही ज्यादा नाराज लग रहा था। जब मिथुन प्रताप ने लोगों की बातें सुनी तो उनके चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम से बिगड़ गया। मिथुन प्रताप गर्म दिमाग होने के लिए जाने जाते थे और तो और इस मैटर में उनकी चहेती पोती इन्वॉल्व थी, इसीलिए उन्होंने चिल्लाकर सब लोगों की तरफ देखते हुए गुस्से से कहा, आखिर ये कहने की हिम्मत कौन कर रहा है कि मेरी माही ओबेरॉय परिवार के बेटे को मैच नहीं करती? मिथुन प्रताप की गुस्से भरी आवाज सबके कानों में गूंजने लगी। जैसे ही उन्होंने गुस्से में चिल्लाकर अपनी बात कही तो पूरे वेन्यू में एकदम से सन्नाटा छा गया और लोग घबराने लगे। जो लड़कियां कुछ देर पहले तक आपस में माही की बुराई कर रही थी वो अचानक अपनी नजरें झुकाकर खड़ी हो गईं। इसके साथ ही साथ वो लोग हैरानी के मारे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें मिथुन प्रताप की कही बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई और लोग मन ही मन सोच रहे थे कि आखिर मिथुन प्रताप ने माही को मेरी माही क्यों पुकारा। ठीक उसी वक्त जब रुक्मिणी ओबेरॉय ने देखा कि माहौल थोड़ा अजीब बन गया था तो उन्होंने बात को कंट्रोल करते हुए मुस्कुराकर कहा, अरे मिथुन जी, आप तो नाराज हो गए, माही आप ही की पोती है। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है, हमारे लिए तो माही हमारी बेटी जैसी है। हमारे पंडित जी ने भी हमसे यही कहा था कि माही हमारे घर अच्छी किस्मत और खुशहाल माहौल लेकर आएगी। माही जैसी बहू पाकर ओबेरॉय परिवार खुद को बहुत खुशकिस्मत मानता है।